about it. Okay, speak on us. नहीं इसी का लास्ट जो पेंट कर वो अब बीच का पीस रहता है हाँ। उसके भी दो टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोस प्लस क्रेसी क्रेसी यानी रूल और डेमोस का मतलब है पीपल द रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी ठीक है एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब है दैट इज रूल ऑफ नॉबल्स यानी जो राजाओं का शासन एक तरीके से या राजा के जो बहुत सारी संतानें हों उन सबका मिला जुला के जो शासन होता है उसको क्या कहते हैं रूल ऑफ नॉबल्स ब्यूरोक्रेसी रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे कई बार क्या होता है कि सरकारें अस्थाई होती हैं तो जो सरकारी पोस्ट पर हैं उनका फिर बोलबाला हो जाता है बैंक वाला है वो भी तुमको धमकी देगा घुड़की देगा जाओ खाता खुलवाने अकाउंट खुलवाने तो उसको कहते हैं रूल ऑफ हिपोक्रेसी दिखाएं कुछ और अफवाह है कुछ और पाकिस्तान टाइप हम तो बहुत अच्छे हैं और अंदर से भ्रष्ट हैं करप्ट हैं और साथ में टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं इसको कहते हैं हिपोक्रेसी यानी ऐसा शासन जो दिखाता कुछ और है होता कुछ और ठीक है शोइंग समथिंग एल्स विच यू आर तो यू आर नॉट फॉलोइंग द आइडियोलॉजी व्हाट एवर यू आर शोइंग तो इसको कहेंगे हिपोक्रेसी कि मान लीजिए रात को मुर्गा खाएं और फिर जो सुबह होते ही त्रिपुंड लगा के आ जाए और फिर बोले हम तो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं नहीं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो वही बात हो गई दैट इज हिपोक्रेसी रूल ऑफ दैट इज करप्ट पीपल के फॉल्स पीपल जो वो है नहीं और शो कर रहे हैं उसको हिपोक्रेसी कहेंगे इसी तरीके से मोनोआर्की किसी एक का शासन ठीक है दैट इज रूल ऑफ वन और इसी तरीके से ऑटोक्रेसी ठीक है दैट इज रूल बाय वन विच इज रनिंग ऑन हिज व्हिम एंड फैंसी जो बिल्कुल अपने मन से आज लाल शर्ट पहनने वाले को गला काटना फिर तब जब अब आज किसका नीली वाली काट दिया तो जो ये चीजें जैसे किम जोंग उन है ना वो एक ऑटोक्रेट है उसके लिए कोई संविधान भी नहीं है एक होता है कि राजा चलता है मोनोक्रेट अच्छा भी हो सकता है लेकिन अगर वो रोज रोज अपने मन से कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय करे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक उसने कहा राजधानी यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वहां शिफ्ट करेंगे तो उल्टा पुल्टा काम किया तुगलकाबाद शिफ्ट कर दी उससे कितने लोगों को बोला सारी जनता चलो रस्ते में आधे लोग मर गए अच्छा नहीं मर गए अब लौटो चलो ऑटोक्रेट का मतलब है कि दैट इज रूल ऑफ वन विच डज नॉट एज पर हिज व्हिम एंड फैंसी अपनी इच्छा अनुसार जो शासन करता हो विदाउट एनी लॉ रूल ऑफ वन विच इज एज पर हिज व्हिम एंड फैंसी ठीक है इसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं जैसे सोशलिज्म अलग अलग आइडियोलॉजी उसके हिसाब से चीजें चलती हैं ना पॉलिटिकल पार्टी अ पॉलिटिकल पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विच कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट सो इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स Okay, who come together
contest elections. And hold power. In government, ऐसी कौन सी पार्टी है जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है? हाँ, वर्ल्ड में नो, भारतीय जनता पार्टी। इसके 10 करोड़ सदस्य हैं जिन्होंने साइन कर रखा है कि हम आपकी पार्टी। अब जरा देखो, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होती है विच कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर। उस पार्टी के ग्रुप वाले कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन और साथ में पावर भी होल्ड करते हैं। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं अर्पिता किसी पॉलिटिकल पार्टी? फॉलोअर, एक्टिव मेंबर और लीडर। सो लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, इट हैज कंपोनेंट्स। पहला, वो बोल रहा था, कॉबलर मोची बोल रहा था कि मैंने कई बार कहा कि आप ताला नहीं लगाते, तो क्या नहीं भी लगाते थे क्या? तो ऐसे वो क्यों बोल रहा था तुमसे? Now that is leaders, active members, और तीसरा followers, जो लोग साइन नहीं करते हैं उसकी सदस्यता नहीं लेते हैं। प्राथमिक सदस्यता होती है, 2 रुपए का फॉर्म आता है। कांग्रेस के में 35 पैसे का फॉर्म आता है, तो एक मेंबरशिप होती है, उसमें आप फॉर्म में साइन करके दे दो तो आप उसके सदस्य बन जाओगे। फिर जो भी मैसेज होंगे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आया करेंगे, वो चीज होती है। तो एक्टिव मेंबर एंड फॉलोवर्स एंड सपोर्टर्स। पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन इन्हें सोसाइटी। अगर पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसमें आइडियोलॉजिकल डिवीजन भी होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने एजेंडा होते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अलग एजेंडा होते हैं। तो वो जो एक सोसाइटी है उसको अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पे बांटने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम किसकी साइड हो। ऐसा नहीं हो सकता तुम किसी की साइड ना हो, किसी की साइड तो होनी पड़ेगी। तो वो चीज है, दे डिवाइड द सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ their ideology and on that basis they take votes, they divide the society. On basis of हमारे देश में दो तरीके की मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक लेफ्टिस्ट है और एक राइटिस्ट है। तो दक्षिण पंथी और वाम पंथी से सृष्टि तुम क्या समझते हो? करेक्ट, जैसा इन्होंने कहा, देयर आर टू विंग्स। तो जब तुम्हारी डिबेट होगी तो आप देखोगे ये दाहिना हाथ है हमेशा इधर की ओर बीजेपी वाले बैठेंगे, दक्षिण हाथ मेरा ये राइट हैंड है, और जो लेफ्ट हैंड है वहां पर सब वो लोग बैठेंगे। एक होता है नेशनलिस्ट, एक होता है एंटी नेशनलिस्ट। तो जो वामपंथी लेफ्टिस्ट वो कहते हैं कि देश करके कुछ नहीं है, जैसे राहुल गांधी कहते हैं भारत एक देश नहीं है, कई लोग साथ आकर रह रहे हैं, इट इज नॉट ए कंट्री। इनका मानना है कि हमारी वो लिबरल गैंग, हम अपने हमारी स्वतंत्रता प्रमुख है, देश का कुछ भी हो और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रमुख है, और फिर चाइना और हम सब सभी व्यक्ति पूरे विश्व के एक हैं। उनकी अपनी आइडियोलॉजी, देश कुछ भी नहीं होता है, राष्ट्र कुछ भी नहीं होता है। अगर चाइना हमसे कोई अच्छी चीजें गुपचुप तरीके से मांगे तो हम अपने सीक्रेट शेयर करें, वो हमें सीक्रेट शेयर करें, एंड देयर इज नथिंग लाइक नेशन, इस चीज की अवधारणा से वो काम करते हैं। लिबरल का मतलब है कि हमारे राइट्स सबसे पहले, फिर देश चाहे रहे या ना रहे, देश का कुछ भी होने से वो नहीं, ठीक है। और जबकि ये क्या कहते हैं, जो दक्षिणपंथी हैं, इसका मतलब है कि दे वांट दैट नेशन इज सुप्रीम, नेशन फर्स्ट, पीपल सिटीजन सेकंड, पीपल सेकंड, ये इनकी हिसाब से। तो दो दक्षिणपंथी की विचारधारा में इस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, पहले शिवसेना भी खड़ी होती थी, लेकिन अब चूंकि उसने कांग्रेस से जब उस डाइल्यूट हो गया उसकी आइडियोलॉजी, अगर दो विपरीत विचारधाराएं मिल जाती तो एक जो बड़ी पार्टी वो उसकी आइडियोलॉजी हावी हो जाती। सो देयर आर टू आइडियोलॉजी,
रनिंग इन कंट्री, उसी के बेसिस पे पार्टी बनी है, रनिंग इन कंट्री। एक होता है लेफ्टिस्ट, इसको कहते हैं वामपंथी, वाम का मतलब समझते हो ना, पंथी बाया, लेफ्ट होता है नहीं, बाम अंग माया, जैसे वो कहते हैं शंकर जी पार्वती से कि मेरे बाएं अंग में निवास करो, कहते हैं हम तभी तुम्हारे बाम अंग में निवास करेंगे जब तुम ये करोगे वो करोगे, जब सात वचन लिए जाते हैं, तो शंकर जी कहते हैं फिर मेरी भी कुछ बातें हैं सात वचन, ये तुम्हें करना होगा। तो दोनों बातें वो की जाती हैं जब रात को भंवर पड़ती है, तो बार बार बोलते हैं बाएं अंग में निवास करो, वो अर्धनारीश्वर नहीं कर जाते, दैट इज वामपंथी। सो इनका क्या मतलब है, दे डू नॉट फॉलो नेशन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, they are liberals, they want to preserve, they are stakeholders for the fundamental rights of citizen, citizen bhi karke ne people, ab jab nation hi nahi to citizen bhi kya hai, so they do not, aur iske jo leftist hai iski sansthapna kisne ki, who was the founder, Karl Marx, जो कि एक जर्मन के बहुत बड़े सुधारक थे, उनके विचारधारा फ्रांस के थे और उनके उनकी विचारधारा से ये सब चाइना और ये सब प्रभावित हुए, कार्ल मार्क्स, फिर लेनिन और स्टालिन उन्हीं को फॉलो करने लगे। तो दे डू नॉट, ठीक है, फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, अगर विवेक श्रीवास्तव ये अजीत ये सारे जो भी आते हैं इन सब से बोलो, बहुत बड़े बड़े वो होते नहीं डिबेट करते रहते हैं, तो उनसे कह दो बोलो भारत माँ की जय, तो माँ बोलने में ही वो उनको एक घंटे बुलवा लो कि माँ नहीं बोलेंगे, भारत ही नहीं बोलेंगे पहली बात तो, और फिर माँ भी बोलना तो उनके लिए बहुत बड़ी सजा हो जाती है। फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, ठीक है, सो दे फाइट फॉर फंडामेंटल राइट्स, कि और अधिकार दिए जाएं, और अधिकार दिए जाएं, राइट ऑफ इंडिविजुअल। ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो लेफ्टिस्ट हैं हमारे देश में, क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, हसिया हथौड़ा और सितारा, तो हसिया हो गया और ये हसिया हो गया, इसके अलावा इसी में हथौड़ा बना देते हैं और एक सितारा, तो मुख्यतः सितारा का यहां पर मुस्लिम वर्ल्ड को अट्रैक्ट करने के लिए, बाकी श्रमिकों के लिए, मुस्लिम और श्रमिक दीज आर एक करने के लिए। तो अब ये देखो, तो किसान हो या लेबर हो, लेबर पार्टी है किसान और मुस्लिम, मुस्लिम कौन बने, जब बाहर के आक्रांता हमारे यहां आए तो जो छोटे तबके के लोग थे, क्योंकि देश में वर्णों की व्यवस्था थी, तो जो छोटे तबके के लोग थे उनकी छाया पड़ जाती थी, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये नहाने चले जाते थे, उनको डिस्कार्ड करते थे, जैसे तुमने सावित्री बाई फुले का चैप्टर पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो फिर जो आक्रांता है बोले तुम उनकी ओर क्यों जाते हो, अगर तुम उनको रिजेक्ट करें तुम हमारे साथ आ जाओ, तो वो लोग तो पहले से ही वो थे, तो उनको उन्होंने घर दिया पैसा दिया आ गए, तो वो इस तरीके से मुस्लिम हो गए आक्रांताओं ने, ठीक है कि नहीं। तो फिर एक ऐसे ऐसे बुद्ध ने, बौद्ध धर्म का भी उदय ऐसे हुआ है, बौद्ध धर्म में ये नहीं सोचो कि पंडित और ब्राह्मण बने होंगे, जो ये छोटा कास्ट था ये 70% थे, और ये भी कौन थे आपको मालूम है, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब थे इंडिया में ये यहीं के मूल निवासी थे, और जो आर्यन आए वो मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से, तो चूंकि उन्होंने हिमालय पे सबसे पहले आए तब किया, वेद लिखे और अपने उनके पास बहुत ज्ञान प्रभावित किया, सारे उन्होंने ऐसा ही नहीं है, गणित का भी आप देखो कि यहाँ पर जैसे हम आर्यभट्ट और ये कई तरीके से उन्होंने सब कुछ लिख डाला, सारी विधाएं, विमान तक का स्ट्रक्चर बना डाला 500 साल पहले, तो वो सब कुछ उसमें चरक संहिता लिख दी, सुश्रुत संहिता लिख दी, तो ये जो उपनिषद है इन सब ने सब ज्ञान भरा पड़ा है, जिसको लोग हम ही भूल गए हैं, तो हम इसका पेटेंट कैसे करा भाई यहाँ के लोग, क्योंकि प्रभावित होते गए तो धीरे धीरे ये बात होती गई। तो जो बौद्ध धर्म बना सबसे पहले, फिर बौद्ध धर्म पूरे भारत में व्याप्त हुआ, फिर एक बहुत बड़ा ब्राह्मण समुद्रगुप्त है, ब्राह्मण का राज्य था, उसने कहा ये मारो सारे बौद्ध, उसने पूरे भारत में बौद्ध मठों को ही तहस नहस कर दिया, पूरे भारत में उसका साम्राज्य पूरे भारत में था, बौद्ध धर्म आज भारत में रही नहीं गया, जबकि अशोक ने इसको सब तरफ फैलाया था, दूसरे देशों में आज भी है, लेकिन जो ये ब्राह्मण का फिर से स्थापना हुई तो उसने कहा नहीं हम इनका शासन नहीं चलने देंगे, फिर से उनको फिर वो आपस में छुप छुप के कुछ करने लगे, फिर बाबर आ गया और उसके बाद मुगल वंश आ गया, उन्होंने फिर से कहा कि अरे तुम लोग दीनहीन हो
आओ मेरे साथ, तो आओ हम और तुम मिल के मंदिर तोड़े, फिर तोड़ा। तो मतलब ये एक तरीके से इसको क्या कहते हैं, क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब समझते हो, क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध। अगर तुम देखो तो इज़राइल में और जेरूशलम में जो तीन धर्मों की वो है, वहीं पर ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट भी पैदा हुए, मोहम्मद भी वहीं से ही आसमान में प्रस्थान किए, और भी एक दो ज्यूस, ज्यूस का भी एक दीवार बनी हुई है जिनको कहते हैं मूसा। मूसा तो आप समझते हो ना कि सबसे पहले, जैसे ये कहा जाता है कि इनके भी बहुत सारे प्रवर्तक रहे हैं इस्लाम धर्म में, कितने प्रवर्तक रहे हैं, 1008 और इससे भी ज्यादा प्रवर्तक रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मूसा, ठीक है, तो मूसा कहते थे प्रकृति की पूजा करो, ये सब हमें इतना इतना देते हैं। ज्यूज लोग इनसे बड़े प्रभावित हुए, बोले हाँ, पहले तो ये था कि सब एक ही है, आदम और हवा, एडम एंड ईव जो हमारे आए थे, उन्होंने सब चीजें बनाई, ऐसा इसमें है। फिर जो मूसा ने कहा कि प्रकृति की पूजा करो, तो बहुत सारे लोग इनके उपासक हो गए, ये इस्लाम की ब्रांच है। तो जिसने भी, और जो इनको मानने वाले थे वो क्या कह रहा है बताइए, ज्यूज है, तो वो भगवान को भी माने थे, जिसको अल्लाह भी कह सकते हैं, अल्लाह को मानते थे, लेकिन गुरु है तो गुरु को भी वो स्थान देने लगे। फिर इसके बाद इसी में कौन आ गए बताइए, जीसस इसी में, क्योंकि यहां पे ना आके बोलो तो तुम ये बोल दो, उन्हीं ज्यूज में एक अवतार हुआ जीसस का, ज्यूज में। तो सब प्रकृति की पूजा हो रही थी, और फिर जीसस ने बोल दिया कि वो अल्लाह या वो गॉड, गॉड ही बोला जाता है उनके में भी, शुरू में गॉड बोलता, बाद में अल्लाह हो गया, ठीक है। तो गॉड मुख्य और हम उसके पुत्र, तुम कैसे पुत्र हो गए, तो अब सब जो जन ये पुत्र बताता है अपने आप को, और हम तो इसके अथॉरिटी को नहीं मानते। इन्हीं ज्यूज ने फिर इनको मार दिया, भाई इन्हीं के पीछे तो पैदा हुआ था वो, जो जेरूशलम में, तो जो जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह थे वो अपने आप को मसीहा या सेवियर कहते थे, कि हम सबको बचाने आए हैं, और तुम उसको कहो जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को जो मानने लग गए वो क्या कह रहा है बताइए, वो क्रिश्चियंस कह रहा है। अब देखो इन्हीं को मानने वाले में एक तरीके से ये जो मुख्य मेन ब्रांच है, कहते हैं ये डाइवर्ट हो गए। हम लोगों में, हिंदू लोगों में कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताया, आपने भगवान बताया तो तुम बड़े हुए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चाहे जितने भी प्रॉफिट या पैगंबर आए, अल्लाह ही बड़ा होगा। वो सब आए तो अच्छी बात है, रिस्पेक्टेड है, बड़ा अल्लाह है, गुरु बड़ा नहीं है। जैसे हम लोगों में सनातन में होता है कि गुरु बड़ा है, फिर उन लोगों ने इनको माना, वो क्या कह रहा है बताइए, ज्यूस। तो ज्यूस के बाद क्या हुआ बताइए, ज्यूस को भी हिंदी में क्या कहते हैं, चलो ठीक है, यहूदी, हाँ इनको क्या कहते हैं, यहूदी, यहूद के हिसाब से, और फिर ये ईसाई कह रहा है। अच्छा अब आगे इसमें क्या हुआ बताइए, कि इस अब मेन ब्रांच में एक प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी पैगंबर मोहम्मद हुए, तो प्रॉफिट को भी जो मानने लगे, तो इसको इनको जो मानने लगे वो फिर अब यहां से मुस्लिम हुए, वो क्या हो गए, मुस्लिम हो गए। ये मेन ब्रांच में ही है, तो इसी मेन ब्रांच में प्रॉफिट हुए वो मुस्लिम कहलाए, लेकिन उनमें दो तरीके की आइडियोलॉजी हो गई, एक वो थे जो अल्लाह को सुप्रीम मानते थे, और एक फिर वैसे हो गए कि दिए को, अरे दिया है ये तो जलती हुई ज्योत है, इनको प्रणाम करो, प्रॉफिट को सबसे बड़ा मानने लग गए। तो जो प्रॉफिट को मानने लग गए बड़ा, वो क्या कह रहा है बताइए, वो शिया। और जो अभी भी ये मेन स्ट्रीम की जो रूट है उसको मानने लग गए, उनको क्या कह रहा है, सुन्नी। तो अब यहां पर, यहां से दो डिवीजन हो गए, एक कौन हो गए, शिया, और दूसरे तो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट हो गए, और शिया कैसे हो गए, शिया मॉडरेट हो गए, वो इनको मानते थे। तो सबसे पहले अब ये सुन्नी लोगों ने अब इस्लाम को बचाने की वो रखी है कि हमें इस्लाम को बचाना है, ये लोग इनको इनको क्यों मान रहे हैं, तो बोले तुम सबसे लेटेस्ट भ्रष्ट हुए हो शिया से। तो अब ये सुन्नी कहते हैं कि हम जब तुम सबको खत्म कर देंगे, विश्व के 30 करोड़ शिया को खत्म कर देंगे, फिर उनसे बाद ये भ्रष्ट हुए, फिर क्रिश्चियन को खत्म करेंगे, क्योंकि तुम मेन ब्रांच से क्यों खत्म हुए, फिर क्रिश्चियन को खत्म करने के बाद वो ज्यूस को खत्म करेंगे, और जो सनातनी है वो तो बहुत नासमझ है, वो हमारी ब्रांच में नहीं है, वो काफिर है, लास्ट में उनको खत्म करेंगे, इसलिए हम लोग से ये चीज है, ये मुख्य कॉन्सेप्ट है, खत्म करने वाला कॉन्सेप्ट, इरेडिकेट वाला, ठीक है कि नहीं। तो अब इसी के बेसिस पे सारी पार्टी बनी है। तो आप ये देख लीजिए यहां पर क्या है, अब इसमें ये लोग साथ आ गए, अब छठे नंबर पे खत्म होने वाले, हम इमीडिएट खतरे में नहीं है।
अभी देखो वो तुमने पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान में 50% अब पिछले साल की बात है शिया है फिर सुन्नी है, तो वहां पर तलवार लेके सुन्नी निकल रहा, शिया शिया काफिर शिया शिया जो भी रास्ते में आता गया गर्दन उड़ाते गए। अब पता चलता है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम दूसरी तरीके से अपनी पहचान बनाने के लिए जो पीनस का अगला हिस्सा है वो छील देंगे और स्त्रियों का खतना कर देंगे, यानी उनके वजाइना को सील देंगे, फिर वो ड्रिप करती हैं, यूरिनेट करने में इतनी दिक्कत है, बर्निंग सेंसेशन होता है, पूरे जीवन स्ट्रगल करती रहती हैं, तो ये सब है। और अंदर क्लिटोरिस काट देते हैं, क्लिटोरिस वो पार्ट है जिसे प्लेजर होता है, सेक्सुअल प्लेजर, वो काट देंगे, कहेंगे इनको कोई अधिकार नहीं औरतों को, ये सब सुननी करते हैं। लेकिन नेचुरल बॉडी हमें भगवान ने दी है, हम उसमें क्यों कटफट करें, वो तो भगवान के द्वारा बेस्टोड है, वरदानित है, पर ऐसा ये करते हैं। और रस्ते में भी बुला बुला के, जहाँ पे तुम सीरिया चले जाओ बोलेंगे दो इसकी आयत पढ़ो कुरान की, और नहीं पढ़ पाए पजामा उतरवाएंगे, चेक करेंगे, गला काटेंगे जाओ, ये होता है। मतलब मुख्य तौर पर ये एक्सट्रीमिस्ट है, इनसे दुनिया नहीं चल सकती, ये प्रेम का प्रसार नहीं कर सकते, तो और कोई कर सके तो करे, ये नहीं कर पाए। तो अब हम लोग देख रहे थे एक लेफ्टिस्ट पार्टी और दूसरी कैसी राइटिस्ट, इसमें आएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है, और इसका कहां कहां शासन चला बताओ जरा, सीबीआई का केरला में इसका शासन रहा है, और कहां कहां पे शासन रहा है बंगाल में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहां कहां पे बताइए, केरला और वेस्ट बंगाल, अच्छा इनका त्रिपुरा में भी रहा है। तो इसमें ये जो पार्टी है इसमें कहती है कि लेबर लेबर सबसे सुप्रीम है, और वो चाहे मालिक को मार भी दे तो कोई बात नहीं, मालिक मर गया, और लेबर के हाथ में सारी फैक्ट्री होनी चाहिए, और उसके बाद सारा शेयर जितना प्रॉफिट है वो लेबर ही खाएंगे, और मशीन अगर टूट फूट हो गई तो लेबर अपने पैसे में से नहीं देंगे, टूट गई तो कोई बात नहीं, चार तो और बाकी हैं, कोई दीवार गिर गई तो कोई बात नहीं, तीन दीवार तो हैं, तो कोई लगाएगा नहीं पैसा उस फैक्ट्री में, और सब प्रॉफिट खाएंगे। इस तरीके से केरल बर्बाद हुआ, इस तरीके से बंगाल बर्बाद हुआ, बात समझ में आई, केरल से अभी ये लोग जा चुके हैं सीपीआई, और बंगाल में भी अभी तृणमूल कांग्रेस है, पहले ज्योति बसु की सरकार थी जो कि वामपंथी थी, वामपंथी यानी यही लेफ्टिस्ट, लेकिन भारत इन्हें जल्दी पहचान चुका है। एक गलती टाटा ने जरूर की कि वहां पे नैनो का प्लांट लगा के वेस्ट बंगाल में, और वहां पर जब उसने लोगों को भर्ती करना शुरू किया तो दो ही दिन में उसको असलियत समझ आ गई, बोले हम काम नहीं करेंगे, पूरा फायदा नहीं, हम नहीं बनाने वाले ना, फिर अब मारुति थोड़ी ना बना, नैनो बनाई नहीं उन्होंने, और लोग क्योंकि वहां पर अगर आप तुम देखोगे जा करके तो लेबर काम करना नहीं चाहते, कहीं पर भी होगा उनसे आप काम नहीं ले सकते, तो तुम्हारे घर में भी अगर कुताई करने आएगा तो बड़े लंबे से डंडे में ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मारेगा, और इधर जा रहा है चूना उधर जा रहा है, कहेगा बस ऐसे ही होगा, कुछ धमकाने लग जाएगा तुमको, पैसा भी लेके जाएगा, लेबर से काम नहीं। तो नैनो का प्लांट एक हफ्ते में बंद करना पड़ गया टाटा को, रात को ही वो वहां से भागी गुजरात, और नैनो भी ठप हो गई, और तब से भारत की और उद्योगपतियों ने फिर जान लिया कि कहीं पर भी अपना प्लांट लगाना, लेकिन सीपीआई जहां लेफ्टिस्ट हो वहां ना लगाना, जो लिबरल्स हो काम ही नहीं करेंगे, तो कम हाँ। अब ये एक एक करके देखेंगे, सीपीआई आपने देख लिया कि नहीं, दूसरी है एक लेफ्टिस्ट है और दूसरी राइटिस्ट है, लेफ्ट विंग और दूसरी कौन सी बताई, राइट विंग, इसको कहते हैं लेफ्ट विंग। तुम ये जान लेना जब कभी भी ध्यान देना, जब बीच में एंकर होगा इस तरफ राइट में राइट विंग, इस तरफ लेफ्ट विंग, किसी भी चैनल को खोल के देख लेना, लेफ्ट में लेफ्ट विंग बैठेगा, ये एंटी नेशनलिस्ट और इधर नेशनलिस्ट, ये पैटर्न है उसी तरह बैठाते हैं। अब दूसरा क्या बताए बताइए, इन्हीं पे सोशलिज्म भी चला है, तो सोशलिज्म इन जैसे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन, तो यूरोप ने देख लिया समाजवाद में पनपा यूरोप में ही था कि सब सोशल होने चाहिए, हाउएवर यूरोप ने इसे रिजेक्ट कर दिया, वहां नेशनल सब नेशनलिज्म की लड़ाई हो रही थी, पहला चैप्टर नहीं देखा था, नेशनलिज्म इन यूरोप, और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जानते हो क्या है,
सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि जो भी प्रॉफिट आएगा पूरे देश में सबको बराबर बांटा जाएगा। अगर गरीब किसान को एक रोटी मिलेगी तो इंजीनियर को और जिला कलेक्टर को डीएम को भी एक ही मिलेगी, जो लेबर को मिले सबको बराबर बांटा जाएगा। उसके यहाँ गैस चूल्हा नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी नहीं होगा, ये चीज है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यूरोप ने रिजेक्ट कर दिया, हुआ हाई एस्पिरेंट एस्पिरेशन रखने वाले थे, जबकि वहां पर लेनिन ने वहां पर राज किया तो उन्होंने रेडियो में कहा कि अब हमारा रशिया पर्याप्त तरक्की कर चुका है, आज से सभी को दो रोटी खाने को मिले। ये नेशन का में ये हुआ तो खुशी की लहर दौड़ गई लोगों की। एक इंजीनियर बोला आज से दो रोटी खाएंगे, तो फिर धीरे धीरे लोगों के एस्पिरेशन मर गए। बोले जब मिलना ही है एक रोटी दो रोटी तो क्यों पढ़े। वहां की अगर आप जनता में देखो कोई एस्पिरेशन नहीं, कोई होप नहीं है, और मोस्टली वो करप्ट लोग हैं। सोशलिज्म वहां पर आपने रशिया में देखा वो नेचुरल था, लोग वहां पर मिलजुल के काम करते थे, इसलिए वहां पहले से ही शुरू में आपने देखा था कि नहीं सारे इंप्लीमेंट्स एक साथ रखते थे, वो नेचुरल था इसलिए वहां वो फैल गया। लेकिन लास्ट में जब लेनिन आया और स्टालिन आया तो उसने वहां चकबंदी कराई, फिर से उसको नहीं कहते हैं सारे खेतों को एक साथ मिलके कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, कलेक्टिवाइजेशन वर्ड तो पढ़ा होगा ना। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब होप लोगों में चली गई, अब जाकर के पिछले साल वो जो व्लादिमीर पुतिन है तो उसने बोला है हाँ रशिया के लोगों सुनो अब हम 24 साल और शासन करें, ठीक है बोली ठीक करो, हमें क्या करना, हमें तो दो ही रोटी मिलनी है। लोगों में एस्पिरेशन ही नहीं है, वहां कोई विरोध करने की भी ताकत खत्म हो गई, ऐसी हालत हो गई। तो आपने देखा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सोशलिज्म में भी लोगों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, वो एक डेमोक्रेटिक नहीं, लेकिन अब कौन बोले नॉन डेमोक्रेटिक है उसको, या इसी तरीके से जो सीपीआई है तो धीरे धीरे लेबर पार्टी ने वहां हाईजेक कर लिया। लोगों में अभी वहां तो कोई चाइना में भी बोल नहीं सकता, ठीक है कि नहीं। अभी बीजिंग में भी आपको पता है वहां हेलीकॉप्टर से सिल्वर ब्रोमाइड गिराया जाता है, 16 हेलीकॉप्टर लगे हैं चाइना में, तो जहां वो बादल के ऊपर गिराया जाएगा वहीं बादल वर्षा कर देते हैं। तो बीजिंग में उन्होंने गिराया था तो बर्फ की वर्षा हो गई और 900 लोग मारे गए, लेकिन वहां तो ना गूगल चलता है ना कुछ, तो वो न्यूज पूरे विश्व में ही पहुंच ही नहीं पाई, चाइना की न्यूज नहीं पहुंच पाती वर्ल्ड में। तो इस तरीके से वहां सिंगल पार्टी है, दैट इज रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना, उसी का रूल है। वो बोलते हैं हमको चुन लो, जैसे मोदी बोले हमें चुन लो, अमित शाह को चुन लो, बोलो किसको लो, एक ही तो हो हम किसको चुन लें, पब्लिक के पास कोई खास ऑप्शन नहीं है, एक ही पार्टी है, अदर पार्टीज इलीगल है। तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को में से ही किसी एक को चुनना होगा, वो सब एक जैसे, बात समझ में आ गई कि नहीं। अब दूसरा क्या बताइए, राइट विंग, दोज हु फाइट फॉर नेशन, सुपीरियरिटी ऑफ नेशन, दोज हु फाइट फॉर नेशन, नेशन की सुपीरियरिटी की, इसको बहुत अगर देखें तो ऐसी कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी है विश्व में, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो नेशनहुड को लेकर चलती हो, क्योंकि ज्यादातर पार्टीज करप्ट है, नेशनहुड के लिए सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। इसीलिए जब जो बाइडेन यहाँ आए थे तो उन्होंने बोला था कि पीएम मोदी इज हार्ड टू बार्गेन, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के आगे दूसरे देश के राष्ट्रपति को भी कुछ नहीं मानते। ये नरेंद्र मोदी स्टेशन अहमदाबाद में बोला उन्होंने, हाँ है ना, तो कहाँ पे उसी के अंदर बोला था। तो ये हार्ड टू बार्गेन का मतलब जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है वो ये नहीं कहती कि ठीक है इस तोप का सौदा हो रहा है आधा मेरी जेब में खराब तोप भेज देना, वैसा नहीं करते। जैसे पिछले बहुत देखे वो फोर्स कांड देखे, या फिर हमारे जो एक हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था तो उसमें भी ये बात आपने देखी थी ना। सो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, विंग आपको समझ में आ गया कि दो विंग होते हैं, इतनी बात तो समझ आ गई। इन विंग्स के ही आधार पर हम देखेंगे कि क्या होता है। इसको दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं। राइट विंग का क्या मतलब है, राइटिस्ट या फिर दक्षिण पंथी। क्योंकि अगर आप ये देखो बाया और दाया हाथ है, उसको वामपंथी बोला गया। अब इसका इसकी एटिमोलॉजी देखेंगे, उसे वामपंथी क्यों बोला गया, अदरवाइज ऐसा कुछ तो लगता नहीं है कि डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी,
पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, पार्टीज पुट फॉरवर्ड, अगर वो इलेक्शन न लड़े तो एनजीओ कहलाए। एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टीज में अगर एक तरह से देखा जाए तो सुपीरियर कौन है? कई कई बार जो एनजीओ भी सुपीरियर जाते हैं, क्योंकि वो पावर शेयरिंग में, उनके पास एक ग्रुप है, और अगर सेंटर में कोई भी पावर आ जाए, वो एक दबाव समूह है, वो प्रेशर ग्रुप है, वो अपनी बात मनवा लेंगे, जैसे अन्ना हजारे, तो वो किसी पार्टी की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि हमारे इतने सपोर्टर्स हैं, और चाहे केंद्र में जो भी आए हमारी बात मानी जाएगी। जैसे आप कहें कि राकेश टिकैत या राजेश टिकैत, उनका एक किसान यूनियन, वो किसी एक की तरफ झुकना नहीं चाहते, क्योंकि केंद्र में कोई आएगा अगर वो हमारी बात मान लेगा तो हमारा मुख्य है, वहां तुम बैठो अपना काम करो, हमारा काम करो। बात समझ आ गई कि नहीं? तो उस चीज को कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस। तो एनजीओस भी महत्वपूर्ण होते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो भी पावर शेयरिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं। नाउ दैट इज कंटेस्ट इलेक्शन। इसके अलावा दे प्ले डिसीसिव रोल इन मेकिंग लॉस ऑफ कंट्री, ये भी करते हैं। सो पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज, और अपनी इनकी कुछ प्रोग्राम्स भी होते होंगे, तो इनके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, और इसी तरीके से इलेक्टोरल मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र होते हैं कि भाई हमको वोट दो तो हम ये करेंगे। वैसे कोई भी पार्टी धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन जब बीजेपी ने 84 में पहली बार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, दैट इज इलेक्टोरल जो मैनिफेस्टो है ना, तो उसमें ये बात रखी थी कि हम राम मंदिर बनवाने के लिए वचनबद्ध हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इसका विरोध करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में जाके कि ये देखो रिलीजियन को ला रही है पार्टी में। लेकिन उन्होंने, वो हंस रहे थे, बोले दो ही सीटें हैं और डूबेगी, मेजोरिटी का तो कोई कभी किसी ने ध्यान रखा नहीं। तो लेकिन उसने अपने हर घोषणा पत्र में इसको ध्यान देती गई, फिर 2 से उसकी 80 हुई, 80 से पता नहीं कब से उसकी 130 हो गई, फिर 130 से 335 हुई, और फिर 303 हो गई, यानी मेजॉरिटी में ही रही। तो इस तरीके से, लेकिन अब तो बात आगे निकल चुकी थी, अब मेजॉरिटी यूनाइट हो चुकी थी, तो ये शुरू में अगर कह देती तो ये इलीगल था, उसकी बात मानी जाती, तो हम इसे नहीं बना सकते हैं। आइडियोलॉजी में आप देश के विकास को आगे रखेंगे, धर्म के आधार पर कोई चुनावी मैनिफेस्टो, अगर कोई ये कह दे कि हम मुसलमानों में लैपटॉप बांटेंगे, तो क्या ये एक सही कदम होगा? क्या मैनिफेस्टो में ये बात रखी जा सकेगी? नहीं रखी जा सकेगी। या ये कह दे कि हम जो है नमाज गाह या मस्जिद का तो माइक नहीं हटवाएंगे, हिंदुओं का हटवा देंगे, तो क्या मानी जाएगी बात? नहीं मानी जाएगी। और 3 बात बताओ आहना। वैसे तो 8 है, 3 ही आपसे पूछो। प्रोवाइड एक्सेस टू पीपल, किस चीज का? और इसका मतलब बताओ, क्या कहना चाहती हो? अच्छा, और कोई बोलो। प्लेस रोल ऑफ ऑपोजिशन, द पार्टी व्हिच लूजेस प्लेस, बिल्कुल, एंड दे शेप पब्लिक्स ओपिनियन, बिल्कुल सही है, एंड फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, हाँ ये भी बात है इसका। और मेक लॉज, मेक डिसीजंस, सो ये भी करती है। व्हेन इन रूलिंग पार्टी मेक लॉज एंड मेक डिसीजन, और बताइए 3 बातें और जो इन्होंने बताई, उनमें से 3 को रिपीट करिए। फॉर्म गवर्नमेंट, दैट इज प्ले रोल ऑफ अपोजिशन, ठीक है, इफ लैकिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी नहीं होगी तो क्या अपोजिशन की भी रोमिंग कोई भूमिका है डेमोक्रेसी में? कि नहीं है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की कमियां हैं, द लूप होल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये इसको क्या करती है, एम्फसाइज, उसके अगेंस्ट लड़ती है और मेक इट पब्लिक, ठीक है ना। सो इट फोकस द अटेंशन ऑफ पीपल ऑन द लूप होल्स ऑफ गवर्नमेंट सो दैट इट कैन विन इलेक्शन एट द नेक्स्ट टाइम।
तो ये काम है। तो हमें एक अच्छा पोजीशन चाहिए जो कि अभी तक हमें नहीं मिला। जितना राहुल गांधी मूर्ख बनते जाएंगे उतना नरेंद्र मोदी का स्थान ऊंचा होता जाएगा, जितना रावण नीचे गिरेगा उतना ही राम ऊंचे उठेंगे। ये बात समझ आए कि नहीं? क्योंकि ये अप्स एंड डाउन होता है, ताना बाना। जब धागा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है तभी फैब्रिक बनता है। तो एक अगर इतना इधर पत्थर लगा तो दूसरा उतने ही एंगल पर इधर होना चाहिए तभी कोई दीवार टिकती है। तो जितना तुम 1,00,000 रुपए के फायदा होने से खुश होगी उतना ही 1,00,000 के नुकसान होने पर अप एंड डाउन इक्वल होता। तो जो इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था की स्टेट है उसके इधर जितना नरेंद्र मोदी है वो उतना ही इधर हो सकते हैं जितना इधर राहुल गांधी है। अगर इधर एक बहुत अच्छा पोजीशन है तब नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं हो पाएंगे। अपोजिशन में अगर अमित शाह होंगे तब नरेंद्र मोदी का भी महत्व गिरेगा। बात समझ आए कि नहीं? वैली के कंटेक्स्ट में ही हम पर्वत को ऊंचा देख पाते हैं। अगर पर्वत के बराबर एक उतनी ऊंची वैली भी हो तब क्या हम पर्वत को ऊंचा कहेंगे? ये भी बात होती। तो अपोजिशन को भी एक अच्छा किरदार निभाना होगा। अब देखिए ये बात सही है, parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by government, ये सही बात बताई। तो parties provide people access to government machinery। अगर तुमने स्कीम लागू कर दी और लोगों को उसका लाभ नहीं मिला तो तुम फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुमको वो लोगों तक पहुंचानी ही पड़ेंगी। तुमने कहा गैस चूल्हा देंगे तो कुछ लोगों को तो गैस चूल्हा बांटना। एक्सेस टू मशीनरी इन ऑर्डर टू विन इलेक्शन अगेन, जिससे कि वो फिर से कर सकें। नाउ सो दे हैव टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू मेक पब्लिक देयर आइडियोलॉजी एंड लेट द पीपल डिसाइड टू होम दे इलेक्ट इन द इलेक्शन। ऐसा नहीं हो छिपा के नहीं रख सकते कि हम तो पत्तेबाज में खोलेंगे इलेक्शन में, चुनाव में वोट दे दो, कोई देगा क्या? तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। नाउ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या हो सकता है साक्षी? किसी भी देश को एक राजनीतिक दल की क्या जरूरत है? So that if there is only one, if everyone is individually participating in election, then country cannot run, responsibility won't be divided. ठीक है। So without political party, every candidate in election will be independent and no one will be able to make any promise to people about any major policy change without any policy, and there will be division या conflict between the opposition. तो अलग अलग उनमें विचारधाराओं में भी conflict आ जाएगा। The rise of political party is linked to the emergence of representative democracy. So that is political party क्यों आई? That is इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो हैं। तो ये कोई भी चीज इमर्जेंस, इमर्जेंस का मतलब अल्टीमेटली इट इज द रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वी फील देम दैट दे आर अवर रिप्रेजेंटेटिव, हेंस वी कंटिन्यू टू सपोर्ट देम, वी डू नॉट चेंज अवर आइडिया सिंस बर्थ टू डेथ। हम लोग एक किसी विचारधारा, एक समाज में, एक सोसाइटी से आते हैं। So we keep on giving them a vote, we strengthen them, and ultimately such a group which are having a common ideology is able to make a party. अगर हम लगातार अपने विचार बदलते रहें तो क्या ये पार्टी एग्जिस्ट कर पाएंगी? फिर हम सोचेंगे नहीं ये तो अपनी आइडियोलॉजी भी नहीं बदल रही है, ये सुबह शाम कपड़े की तरह अपनी आइडियोलॉजी बदले तो हम वोट दें, लेकिन ऐसा होगा क्या? So we like one kind of ideology, hence our such representative emerge as a larger political group and form a party. So इसलिए the rise of political party is linked to the emergence of representative democracy. इस वजह से हुआ, we do not like independent because independents are not having any fixed ideology. Hence आप देखेंगे पूरी तरीके से ये हटता ही चला जाता है। अब निर्दलीय को कोई वोट नहीं देता। सो किस वजह से हुआ है? द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज
is linked to emergence का मतलब result से समझिए, जैसे emergence play होती है, emergence of representative democracy. अब देखिए, now when the society is large and complex, then different public have different ideology and aspirations. So a group of people who promise to fulfill their aspiration forms a political party. ठीक है, क्योंकि तो हमें लगता है कि जो मेरे इस aspiration को fulfill कर देगा, then the people support them. So be, that's why it is a complex society. अगर सभी एक जैसे हो जाए, मान लीजिए सभी अगर सुन्नी हो जाए, तो वहां पॉलिटिकल पार्टी का कोई मीनिंग ही नहीं हो पाएगा, ऐसे में वो क्या प्रॉमिस करेगी. तो इट शुड बी एक्सक्लेमेशन, ऐसा हो कि उसके ऐसे कोई हिडन एस्पिरेशन को जो उभार दे, तो ही तो पार्टी को देगी. अब रोजमर्रा की जीवन चल रहा है, तो उसमें पब्लिक शुड बी डिवाइडेड, तभी तो रूल हो पाएगा. सो एज सोसाइटी, जो लार्ज सोसाइटी है, इज कॉम्प्लेक्स एंड बिकमिंग लार्ज, और लार्ज होती जाए, देन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन. देख लो, अगर ये हो पीपल हैज, अगर ऐसा भी हो सकता है, जब ये हो कि ज्यूरी वर्ल्ड डिवाइडेड, ज्यूरी इज यूनैनिमस. अगर एक जैसे ग्रुप है, आर्मी हैज मार्च्ड होगा कि आर्मी हैव मार्च्ड, हैज मार्च्ड. लेकिन अगर कहीं पर उसमें कमेटी हैज इलेक्टेड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, और कमेटी वर्ल्ड डिवाइडेड, जब उनमें अगर स्प्लिट ऑफ ओपिनियन हो, तब वर्ल्ड लगाना. तो यहां पीपल के साथ हैव लगा दिया गया, प्लूरल वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट एस्पिरेशन. इंग्लिश के भी हम आपके क्लास ले लेंगे, ग्रामर पार्ट ठीक कर लेंगे. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस. द ग्रुप ऑफ पीपल हु प्रॉमिस देयर एस्पिरेशंस टू गेट फुलफिल्ड आर फॉर्मिंग ए पॉलिटिकल पार्टी. द ग्रुप ऑफ हु promise to fulfill such aspirations form political party. What is the need of political party? Aisa question aa sakta hai. Form political party. How many parties we are having? हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग, उसमें कितनी पार्टियां अभी तक रजिस्टर्ड है? और नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चीज शर्वी चाहिए? 6%, और 6 राज्यों में उसको 6% हो, क्या 4 राज्यों में 6% अगर उसे मिल गया. हाँ. अभी कुछ ही दिनों पहले आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई है, अब बीएसपी को वो कई अधिकार छीन चुका है. पहले वो भी नेशनल पार्टी थी, लेकिन अब बीएसपी को मिल नहीं रही सीटें, तो वो हट चुकी है. अब देखो, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? सो दैट इज नंबर ऑफ पार्टीज. 750 parties, political parties have registered as political parties with election commission of India. उनके ऐसे सिंबल इलेक्शन कमीशन देता है जो एक दूसरे से मिलते जुलते ना, नहीं तो फिर उसमें भी हो जाएगा. With registered with election commission
ऑफ इंडिया। अब देखो इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू रन द गवर्नमेंट, सो वन पार्टी सिस्टम इन चाइना, अब मल्टी पार्टी सिस्टम है, देयर इज वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, दैट इज वहां पर भी है। या अगर वहां पर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोल देगा तो उसको भी दैट पर्सन विल हैड इट। जैसे एक गांव के लोगों में दो दिन बिजली नहीं आ रही थी कुछ दिन पहले, हमें हजरत निजामुद्दीन में एक व्यक्ति मिला था चाइना का, बोला था तुम्हारे देश में तो बहुत अच्छा, हमने कहा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे चाइना में तो बड़ी तरक्की हो चुकी है। तो उसने मुझे ये कहानी बताई कि 800 लोग जो लड़के बच्चे वहां पर गए और कि हमारे बिजली नहीं आ रही दो दिन से, क्या आप लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे मत आओ, ये म्यूटिनी है, ये षड्यंत्र है, एक व्यक्ति आना चाहिए, तुम 800 कैसे आ गए इस चीज को लेकर, चले जाओ। और फिर अगले दिन वो फिर आ गए तो उसने कहा चले जाओ बिजली ठीक हो जाएगी, और फिर रात को उन सबको कटवा दिया पूरे गांव, सर बच्चे बूढ़े सबको, बच्चे बूढ़े और जवान। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो चौराहे पे खड़े होकर तुम्हारे प्रधानमंत्री को गाली दे दो, कोई कुछ नहीं बोल सकता, हमारे यहाँ चू तक की आवाज निकाली तो गला काट दिया जाता। तो बोले यू आर इंजॉइंग डेमोक्रेसी, यू मे बी पुअर बट दिस इज मोर प्रेशियस देन द मनी, पैसा खूब दे दिया जाए, सोने के पिंजड़े में कुत्ते को रख दो तो वो ज्यादा अच्छा है, कि है ना, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित कंठ टूट जाएंगे, नीर न दो चाहे गिरी का या आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, पंख दिए हैं जो उस विधि ने तो आपको लुड़ान में विघ्न न डालो। तो इन चाइना देयर इज वन पार्टी सिस्टम, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। जैसे आप देखो हमने कल भी आपको बताया था कि एक रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है, और दूसरी है कांग्रेस पार्टी, चाइना ये यूएसए में है, और कांग्रीगेशन से कांग्रेस बना, इसी वजह से हर देश में कांग्रेस है, कांग्रीगेशन से बना है, कांग्रीगेशन का मतलब है इकट्ठा होना, तो यूएस कांग्रेस, यहां की कांग्रेस, हर जगह पहली पार्टी जो बनी कहीं कहीं कांग्रेस ही बनी, ठीक है। तो इन सम कंट्रीज देयर इज टू पार्टी सिस्टम, जैसे यूएसए में है, अच्छा इसमें एक कांग्रेस होगी और एक रिपब्लिक होगी, रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता होगा बताओ जरा, अगर इन दोनों के कॉन्सेप्ट की बात कीजिए, भारत भी एक रिपब्लिक है, कल रिपब्लिक डे मनाओगे तो उनका उद्देश्य क्या होता होगा, यानी ये जो गणराज्य भारत गणराज्यों का संघ है, इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, वी आर द पार्टी विच इज रिपब्लिक, रिपब्लिकन्स, और दूसरा कांग्रेस पर्सन है वहां पे, रिपब्लिकन चाहते हैं जो वहां स्टेट है, जो भी मैक्सिको है, जो कैलिफोर्निया है, वो सब मिलके हमारे यूएसए को और स्ट्रेंदन करें, समझ में आ गई बात की नहीं, और दूसरा कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी का तो ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है लेकिन रिपब्लिक की आइडियोलॉजी है, तो वो कांग्रेस पुरानी पार्टी है तो वो और चीजों के मुद्दे पर देखिए, लेकिन रिपब्लिकन का ये है कि हमारा यूएसए का संगठन नहीं टूटना चाहिए, तो दैट इज रिपब्लिक पार्टी और यूएस कांग्रेस। और ऐसा पहली बार हुआ कि जब नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, वो कौन सा स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर है जहां, है ना, कौन सा, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर, तो वहां पर दोनों पार्टी के लोग उसे वो रिसीव करने आए थे, ऐसे कभी होता नहीं, क्योंकि वहां पर 15% भारतीय इंडियंस हैं, तो उस वजह से वो चाहते थे कि हम इनके साथ खड़े हो जाएं तो फिर वो वोट हमें मिल जाए, इस वजह से ऐसा। इसी वजह से सबसे अधिक बार किसी भी पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी हो गए हैं, क्योंकि अब वहां पर उन्होंने उस ग्रुप को यूनाइट कर दिया जो एनआरआई है, अब एनआरआई इनके कहने पर वोट देता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं भी जाते हैं तो वहां की पार्टियां रूलिंग पार्टी इनको ज्यादा से ज्यादा सम्मान देती, क्योंकि वो ग्रुप उनको मिल जाए और कोई बात नहीं है, उनको यूनाइट कर दिया है। और इसी वजह से जो बाहर से आने वाला जो हमारे यहाँ का रेवेन्यू है वो एनआरआई से आने वाला रेवेन्यू विश्व में सबसे ज्यादा है, लोग बहुत अधिक पैसा भारत में भेजने लगे, डॉलर का स्टॉक उन्हीं से ही बढ़ता चला जा रहा है।
यानी आप समझिए जो जीडीपी है उसका आधा पैसा उन्हीं से आ जा रहा है, वो लोग वहां से डॉलर भेजते हैं, डॉलर सरकार रख लेती है, रुपया छाप के लोगों को बांट देती है, डॉलर तो हमारा हो गया। अगला देखिए, सो टू पार्टी के बीच में होता रहता है, सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर, मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग ऑन पावर, ठीक है, वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया इज हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम, हाउएवर ओनली टू मेजर पार्टीज हैव अ गुड चांस टू कम इन पावर, सारी तो नहीं आ पाएंगी ना, जैसे भारत में आप देखें तो यह कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी, इन्हीं के बीच में होता जाएगा कि नहीं। सो इंडिया में टू पार्टी सिस्टम है, एकलव्य की वन पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, तो यहां पर दो कोई मुख्य पार्टी होंगी वो आ सकती है। इन इंडिया देयर इज, हमारा हमेशा फोकस एकलव्य की कॉपी पे रहता है कि ये आज कौन सा चित्र बनाएंगे, क्योंकि इनके रोज के चित्र काफी अच्छे होते हैं। देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम, हम भी पहले बनाया करते थे, सामने बैठा कर स्केच बनाते थे लोग, नहीं करते। तो मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, इन फोर स्टेट्स, चार स्टेट में 6% मिल जाए, ज्यादा नहीं चाहिए, ये नहीं कि पूरे वोट्स का, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 6% का बीजेपी 36% पाती तो 6% ऐसे कौन पा लेगा। सो अ पार्टी विच जो गेट्स 6% वोट्स इन एट लीस्ट 28 स्टेट्स में, 4 स्टेट में ऐसा पा जाए, इज कॉल्ड नेशनल पार्टी, ठीक है, तो टोटल वोट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस, चाहे किसी में से, तो अगर लोकसभा इलेक्शन में भी वो ऐसा पा ले, लोग हाँ किसी में भी, लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शंस और चार राज्यों में, इन फोर स्टेट्स, किसी एक में भी अगर उसको 6% वोट मिल जाएंगे चार राज्यों में, तो क्या हो जाएगा, फोर सीट्स इन लोकसभा। फॉर एग्जांपल, आम आदमी पार्टी इज रिसेंटली रजिस्टर्ड एज ए नेशनल पार्टी, और कितने में पीयूष जमानत जब्त हो जाती होगी, अगर कोई भी पार्टी है पैसा देती है कि नहीं, 10,000-20,000 रुपए, जब भी अगर आपको कभी भी नॉमिनेशन फॉर्म भरना, इलेक्शन कैंपेन होता है तो पैसा देना पड़ता है, जैसे विधानसभा चुनाव तो 20,000 और लोकसभा है तो 50,000 देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, आप बताइए, क्योंकि ऐसा ना हो, एक होता है ईवीएम मशीन, उसमें 20-30 कैंडिडेट के नाम है और कोई कहते कि हमें भी नेम फेम मिल जाए, और सुबह वो एक भिखारी है वो कहता है दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जैसे मांग रहा है, और शाम को कहता हमको भी चुनाव लड़ना, तुम लड़ोगे, ला 50,000 जमा करो, अरे नहीं लड़ना, और ऐसे ऐसे भिखारियों की लिस्ट बन जाए, तो जो वहां पर वोट दे डालने जा रहा है 3 मिनट पढ़ने में लगा दे, तो इसलिए अगर उनको सही वोट ना मिलेंगे, 10% वोट नहीं पाते हैं जितने जेन्यून वोटर्स के, तो वो 50,000 गया, अगर तुमने इतना पा लिया तुम हार भी गए, तो भाई तुम तो ठीक ही लड़े थे, 10% लोग पे पसंद, लोग ने 50,000, हार भी गए तब भी मिल जाएगा पैसा, सो योर मनी विल बी रिटर्न इफ यू आर गेटिंग 10% वोट्स ऑफ द वोटर्स, हाउएवर अदरवाइज तुम्हारी जो जमानत है जो तुमने जमा किया था, तो वो कोई कौन सा मनी है जो शुरू में दिया जाता है, कॉशन मनी, वो तुम्हारा जब, समझ में आ गई बात की नहीं, अभी पढ़ लेंगे जमानत का इंग्लिश वर्ड क्या है, कितने परसेंट वोट्स पे जब्त हुआ था।
10% अगर वोट मिल गए तुमको कहीं पर भी जहां पर भी हो रहा है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, चाहे तुम विधानसभा की इलेक्टोरल में हो कोई भी चीज, या फिर तुम किसी और कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी, लोकसभा की तो कोई डिस्ट्रिक्ट होगी, अब विधानसभा के उस डिस्ट्रिक्ट में भी डिवीजन होंगे ये चीज। नाउ देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, ये 1885 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी रोमेरी बताओ? ए ओ ह्यूम, अंग्रेज ब्रिटिश ने की थी स्थापना इसकी, और उसने फिर उन लोगों को भर्ती किया जो ब्रिटिश के सपोर्टर थे, समझो जो कांग्रेस उसमें भर्ती किए गए, कांग्रेस के लोगों में की कभी डेथ नहीं हुई है मालूम है, क्योंकि वो ब्रिटिश के ही सपोर्टर थे, वो दिखाते थे कि हम भारतीयों के लिए लड़ रहे हैं, एक तरीके से ब्रिज का काम किए, लेकिन कभी कोई मारा गया क्या लाठी से? नहीं ना, कोई मरा तो नहीं। तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, और इसी से ही सारी पार्टियां निकली हैं। पहले भारत में दो पार्टी थी मालूम है, कौन कौन सी पार्टी थी? एक थी कम्युनिस्ट पार्टी और एक ये थी, तो इन दोनों में बहुत वो हुआ कि भाई कौन ज्यादा पाएगा, तो उसने कहा तुम शिक्षा नीति संभाल लेना, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को इसने बोला कि तुम ऐसी किताबें बनाओ जिसमें मुगल का इतिहास हो, ये इतिहास हो, भारत को कम करके दिखाया हो, विश्व को ज्यादा, कम्युनिस्ट का यही है, उसने कहा इससे तो हम पूरा भारत बदल डालेंगे, लाओ उनको शिक्षा नीति, तुम ठीक है शासन संभालो, कम्युनिस्ट ने संभाला हम लोगों का लिटरेचर, जिससे कि माइंड बदल के रख दिया, हिस्ट्री ऐसी पढ़ाई हम लोगों की बदल ही गए, हम भूल ही गए कि हम कौन थे, और दूसरा कांग्रेस ने इसको समझा, तो हमारे यहाँ दो थी, भारतीय जनता पार्टी भी इसी से निकली है, तो भारतीय जनता पार्टी में क्या था कि कुछ लीडर्स जो कांग्रेस के थे वो कश्मीर में भारत का झंडा लहराने गए, तो जवाहरलाल ने बोल दिया नहीं वहां के जो अब्दुल्ला थे वो हमारे दोस्त हैं, तुम उनके यहाँ भारत का झंडा मत लहराओ, पहले वहां आई कार्ड लगता था जाने में कश्मीर में जाने में जैसे आधार कार्ड की तरह, अब वो सब तो उनको कैद कर लिया गया, कुछ महीने बाद उनकी जेल में मृत्यु भी हो गई, उनको मरवा डाला गया अपनी पार्टी के, तो लोग जो उसको फिर वहां से एक अलग पार्टी निकल गई वो भारतीय जनता पार्टी कहलाई, वो तो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी निकली है, और कांग्रेस से राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी निकली है, कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड निकला है, वही कांग्रेस टूटती टूटती आज 750 दलों में टूट गई, सीपीआई बस नहीं निकलेगा, कोई पूछे विच पार्टी हैज नॉट इमर्ज्ड या स्प्लिट ऑफ दिस, तो ये इवन जो कांग्रेस में जो सबसे पहले जनता दल निकला था, अपने आपको बताया था ना कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो जो जनता दल निकला था तो दो कांग्रेस के स्प्लिट हुए, तो उसमें से एक का नाम हो गया कि वो कांग्रेस पार्टी आई इंदिरा, इंदिरा के नाम पे दूसरा जनता दल बन गया, बात समझ आ गई, फिर उनमें से भी जनसंघ बन गया, फिर वो जनसंघ ही भारतीय जनता पार्टी, तो पहले उसका नाम जनसंघ था और अभी क्या हो गया भारतीय जनता, फिर सारे लीडर्स को उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी करप्ट हैं ऐसा बोला था, फिर अगले दिन ही उन्होंने जा करके कौन थे राष्ट्रपति से, वो बाथरूम में थे बोले हमारा कागज साइन करो बाहर निकलो कि इमरजेंसी है, पूरी पावर अपने अंदर मिल गई, राष्ट्रपति उनके स्टैंप थे, सब वही रूल करते थे, वैसे हट जाना चाहिए डिसॉल्व हो जानी चाहिए, इमरजेंसी में क्या होता है कि लोकसभा भंग नहीं होती है लेकिन लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं और असीमित अधिकार रूलिंग पार्टी को मिल जाते हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं, तो ये इमरजेंसी थी राष्ट्रपति शासन नहीं था, अगर राष्ट्रपति शासन होता तो फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई होती, उन्होंने कहा इमरजेंसी है, और इमरजेंसी के नाम पर ऐसे लोगों का भी स्टेरिलाइजेशन किया गया जो 18 ईयर से कम के थे, हर पुलिस वाले को बोलता था कि 100 लोगों को पकड़ के लाओ नसबंदी होगी, अभी पॉपुलेशन कंट्रोल की देते हैं, और ये ध्यान रखना उसमें कोई मुस्लिम ना हो, तो मतलब जो मेजोरिटी पॉपुलेशन को उन्होंने कहा कि सफाया कर देंगे, अब कई बच्चे पिता ही नहीं बन पाए, कई लड़के उनकी नसबंदी हो गई, वैसे काम ही, फिर इमरजेंसी के बाद फिर इंदिरा गांधी चली गई, फिर जब फिर से आए दूसरी पार्टियों में बहुत बार बार उनमें क्या हुआ अलायंस बने टूटे, तो लोगों ने कहा चलो इमरजेंसी से ही कम से कम राज तो करती थी, फिर इंदिरा गांधी ने माफी मांगी कि अब हम थोड़ा सॉफ्ट, लेकिन काम तो उन्होंने इतना कर ही दिया। उनके उन्होंने अपने दोनों बेटों की नसबंदी नहीं कराई थी, संजय गांधी और राजीव, नहीं तो वो भी ना तो आप लोग सोचे पहले घर ही से शुरू किया
उनके उनका हाथ उनके पति को मरवाने में और संजय गांधी को लगा था। संजय गांधी को तो ने तो जिस दिन उनको चाटा मारा था उसी दिन अगले ही दिन उनके क्या है प्लेन क्रैश में मृत्यु करा दी। देखो नाउ भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी 75 के बाद 80 में जनसंघ बना। मैं बता रहा हूँ ना 5 साल लग गया और फिर 75 से 80 तक पूरा उसका नाम पड़ गया भारतीय जनता पार्टी और कमल उसको निशान मिल गया भारतीय जनता पार्टी पास 5 साल और 84 में एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हुआ। ये भी बात आपको मालूम होगी कि मतलब 84 में क्यों एसेसिनेशन हुआ, क्योंकि उन्होंने 82 में वहां पर पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए वहां अकाली दल को सारे हथियार दे दिए, बोले कि वहां का अकाल तख्त पे तुम कब्जा करो और बिल्कुल गुंडों की राजनीति चलाओ और तुम हमारे अंदर में होगे। लेकिन आतंकवादी भला किसी के होते हैं? फिर जब उन्होंने देखा वहां अराजकता हो रही, गोली से मार रहे हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं, उन्होंने उनको कर्ब करना शुरू किया। लेकिन ये उनको मंजूर नहीं था, आतंकवादी को अगर तुम कर्ब नहीं कर सकते उनको हथियार देके, तो उन्होंने बोला कि ये अकाल तख्त में बैठे हैं स्वर्ण मंदिर में, हम अंदर जाके ब्लू स्टार ऑपरेशन करेंगे, वहीं इनको गोली मारेंगे। पहले उनका खाना बंद किया, पानी बंद किया, रोज न्यूज चलती रहती थी, अब इनको ये नहीं। और अंत में उन्होंने सेना को भेजा और सबको मरवा दिया। लेकिन इसमें से बहुत पतवंत गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कनाडा में बैठे हुए हैं आज भी उस ऑपरेशन को याद करते हैं, हमारे स्वर्ण मंदिर को छलनी छलनी कर दिया और वो चाहते हैं कि खालिस्तान अलग हो जाए, पंजाब का हिस्सा क्या बन जाए। तो उन्हीं लोगों ने किसको मरवाया, इंदिरा गांधी को गोली मार दी, तो सतवंत सिंह और बेयंत सिंह ने। तो ये 84 की बात थी। उसके पहले 82 में स्लोगन चला था इंदिरा गांधी की अंतिम, इंदिरा जी की अंतिम इच्छा अटल बिहारी चलाने रिक्शा, बीजेपी बीजेपी कहते हैं ना अटल बिहारी, तो उस तरीके से ये स्लोगन चलते थे, उस पर वो जीत गए चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी वास फाउंडेड ऑन 1980, इनिशियली इट वाज नोन एज जनसंघ। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? दाहिने हाथ का पंजा, हाथ का पंजा नहीं। ये राइट हैंड है ना, ऐसे मनाना पड़ेगा। इट वाज नेम्ड एज जनसंघ, ठीक है। तो एक पैटर्न के दोनों तरफ दो पैटर्न ये भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब देखिए नाउ बहुजन समाज पार्टी, बहुजन तो एक और चीज है, उसके लीडर या फाउंडर कौन थे? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी का मतलब है जो कास्ट सिस्टम के अंतर्गत जो नेग्लेक्टेड कास्ट थी उनको उन्होंने बहुजन कहा। तो बहुजन समाज पार्टी और अभी उसकी कौन लीडर है? हाँ, तो इस तरीके का उनका निशान है। सो बहुजन समाज पार्टी एओ न्यू इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कब हुई थी? 1885 में, 1885 में वास फाउंडेड बाय एओ न्यू ऑन 1885। फाउंडर के नाम पे आपको याद रखना है चीज। तो अब बीजेपी के भी फाउंडर किसी को पता है कि नहीं पता है? हाँ दीनदयाल, सही, उन्हीं के नाम पे सब चलता है। तो दीनदयाल
इनके नाम पे बहुत कॉलेज चल रहा है, ठीक है, और इसकी जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आधार पर चलती है। सो मतलब जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, उन सब चीजों का, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या है, अपनी एक आइडियोलॉजी, उसी पे चलेगी। वो जो एक हाफ निक्कर पहन के लोग नहीं लाठी लेके चलते हैं रस्ते में, वो करते हैं आरएसएस के। किन पे? दीनदयाल, देखो सुन ले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो थे जो झंडा फहराने गए थे। कहाँ फहराने गए थे? दैट इज वहां पे श्रीनगर में, और उनको वो कर दिया गया। श्यामा प्रकाश आइडियोलॉजी इनकी है, इसको लिखो, दिस इज आइडियोलॉजी तो ये, और फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने नारा दिया था एक देश, ठीक है, एक प्रधान एक विधान, एक निशान एक झंडा, एक एक निशान, एक देश एक विधान, यानी एक संविधान और एक निशान एक प्रधान। पहले दो प्रधानमंत्री थे, जम्मू एंड कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री था, वजीर आजम, गृह मंत्री को कहते थे वजीर दाखिला, वजीरे खजाना वित्त मंत्री। अभी भी पाकिस्तान का यही समझ, जैसे मुगले आजम, तो इसी तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने लाल चौक पे झंडा फहरा दिया था, बाद में ये अरेस्ट कर दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला काशीराम, दैट इज काशीराम, ठीक है। फिर काशीराम एक समाजवादी पार्टी है, वो मुलायम सिंह की है, और उनके लिए भी स्लोगन चला था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। यानी इन दोनों ने गठबंधन कर लिया, बोले अब हिंदुओं को मजा चखाएंगे, और ब्राह्मण, फिर वो भी हो गया कि नहीं, ये जो चौथी कास्ट जो शूद्र नहीं कहते निचली जाति, तो कहा गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय और कलवार इनको मारो जूते चार। यानी जो अपर कास्ट है, ये कब होता था, जब वहां पर लालू यादव अपने यहां चुनाव का प्रचार करते थे, आप में से कोई इनमें है तो भाग जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय और कलवार इनको मारो जूते चार, और इस प्रचार ही ऐसे शुरू करते थे। सब ये जो ध्रुवीकरण हो गया था जातियों के आधार, तो ये काशीराम के द्वारा की गई, और ये 1984 में हुई, क्योंकि ये जो जनसंघ था मुख्यतः ये बहुत अच्छी तरीके से संस्कृत बोलना और ये सब काम था, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, जो इनकी प्रार्थना होती है संस्कृत की होती है, तो जो चौथा वर्ण है उसको संस्कृत या इन सब का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उससे उसे दूर रखा गया है, तो वो लोग इससे अपने को अलग मान रहे थे। बोले तो इतने कठिन कठिन श्लोक बुलवाए जाते प्रार्थना में, हमें तो आते ही नहीं है, तो लोगों ने सोचा नहीं यहाँ नहीं जाएंगे, और वहां वैदिक मंत्रों का उच्चार कराया जाता था ये लोग, जबकि इनके में आई नहीं, शुरू से अगर इन्हें अलग रखो तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो डिस्कनेक्ट हो गए, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली यहाँ से, कि नहीं हम आपकी आइडियोलॉजी पे नहीं चलते हैं, चलो अच्छा कांग्रेस से अलग हुए, लेकिन अब हम और भी अलग आइडियोलॉजी रखते हैं। अब देखिए इनका नीला निशान है, अभी इनमें अब भीम आर्मी भी है, भीम आर्मी की चंद्रशेखर आजाद है, तो भीम आर्मी भी वही काम करती जो ये करती, इनका आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1964 और मार्क्स के ऊपर चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा इसे सीपीआईएम क्यों कहा गया है, क्योंकि मार्क्सिस्ट, ये मार्क्स की आइडियोलॉजी पर चलती है, ये लेफ्ट होता है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट, ये देश इनसे बोल दो भारत देश तो इनका गला सूख जाएगा, बोल नहीं पाए, इतना बुलाने में तुम्हारी पूरी डिबेट खर्च हो जाएगी, बोलेंगे नहीं।
और चाइना के ऊपर इसे कहो जरा कसीदे पढ़ो तो कसीदे भी अच्छे, वाह क्या चाइना है मेरी मातृभूमि, ऐसे टाइप कसीदे। सो नाउ दैट इज एंड बिलीव, जब शुरू में ताइवान और जो चाइना था उनमें से यूनाइटेड नेशन ने पूछा, बोलो जवाहरलाल नेहरू किसको मान्यता दी जाए। चाइना में नेशनलिस्ट रहते थे, राइटिस्ट राइट विंग, वो कहते थे हमारा देश ही सब कुछ है और मार्क्सवादी पार्टी को नहीं मानते, हम राष्ट्र को प्रथम करेंगे। और जबकि जो मुख्य चाइना है उसको माना जाता था कि नहीं हम लोगों की आजादी चाहते हैं, देश से कुछ नहीं होता। तो जवाहरलाल नेहरू का यही मानना चाहिए देश से कुछ नहीं होता है, उसको मानता नहीं तो आज ताइवान मुख्य चाइना होता, वहां भी डेमोक्रेसी होती और चाइना आज हमको तंग करता है भाई, और वीटो भी उसको दिलवा दी, बोला ये तो हमारा भाई है इसी को वीटो। समझ आ गई बात कि नहीं? तो इट इज मार्क्सिस्ट, ये इट वाज फाउंडेड, ये किस कब फाउंड की गई? 1964, ठीक है, थोड़े ही साल बाद ही फाउंड हो गई। और फिर इसके बाद इसका शासन भी आ गया केरल में, और जैसा उड़ीसा बताया, उड़ीसा लिखा है आपके में, केरल और बंगाल का तो हम है, त्रिपुरा, त्रिपुरा में आया, त्रिपुरा तो छोटी जगह है। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड इन 1925, उसके पहले भी है, ये तो मार्क्स के ऊपर चलती थी, और ठीक है मार्क्सिज्म लेनिन ये भी दोनों एक ही हैं, लेकिन उसके बाद सीपीआई हमें एक अलग कर दिया थी। और सीपीआई वाज फॉर्म कब हुआ? ऑन 1925। तो वो देश के, मतलब हमने बताया ना कि आजादी से पहले दो ही प्रमुख पार्टी थी, एक कांग्रेस थी और एक सीपीआई थी, सीपीआई से सीपीआईएम बन गया। कांग्रेस की बहुत टुकड़े हुए, तुमको मालूम है ये जो शरद पवार है आज महाराष्ट्र के नेता है, वो किस पार्टी से टूट के बने? कांग्रेस से। कब टूटे? जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था। क्यों टूटे? बोले विदेशी महिला को नहीं बनाना है, हम अलग हो रहे हैं, और इन्होंने अपना निशान घड़ी ले लिया, घड़ी। तो दैट इज नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसी तरीके से ममता बनर्जी कांग्रेस से कब अलग हुई? इन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बना ली, आज राज कर रही है, ठीक है कि नहीं? तो किसी मुद्दे पर इन्होंने क्या किया, इनका मतभेद हो गया किसी मुख्य मुद्दे पर, तो ये उससे अलग हो गए और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बना ली। तो कांग्रेस के बहुत टुकड़े हुए। अब देखिए नेशनल कांग्रेस पार्टी, एक हम लोगों ने देख लिया था कि एओयू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया था, अब है, तब तक ये पार्टी नहीं थी, बस कांग्रीगेशन होता था, लेकिन पार्टी के तौर पर ये कब उभरी? तो नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फाउंड, ये जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल को आजकल नेशनल कभी कोई एनसीपी नाम है, लेकिन हिंदी चैनल में देखोगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार इसके नेता, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र। तो नेशनल, तभी सोनिया गांधी को बनाया जाना था तो इनका नाम आगे आ रहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, शरद पवार इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन तभी पता चल गया सोनिया गांधी बनने वाले, बोले इटली वाले को क्यों बना रहे हो, हमें बनाओ। तो फिर लेकिन लोगों ने इनको नहीं बनाया, उन्हीं का ही स्वामी भक्ति थी, तो ये अलग। नेशनल कांग्रेस पार्टी दैट इज राष्ट्रवादी। अच्छा ये भी अभी डाइल्यूट हो गया है, ये थे राष्ट्रवादी नाम लिख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो लेफ्ट विंग के ही हैं, जिसने कांग्रेस से हाथ मिला गया। अभी महाअघाड़ी होता नहीं है कि वो जो गठबंधन है, सो सब ये लोग कौन कौन से, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले सब एक साथ मिल गए, तो वो जो राइट विंग वाले थे वो अल्टीमेटली लेफ्ट विंग में आ गए, अभी राइट विंग में सिर्फ बीजेपी ही बची। अगर तुमको नेशनलिज्म देखना है राष्ट्र प्रथम, तो बीजेपी के द्वारा ही देखना पड़ेगा, व्यक्ति प्रथम। So, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सो दैट इज फाउंडर, इसके कौन थे बताओ, बोलो, शरद पवार, इनके भतीजे कौन है? अजीत पवार, उन्होंने इनकी पार्टी तोड़ दी, ठीक है। इनकी बेटी कौन है? सुप्रिया सूले, खूब सुना होगा लोकसभा में को बोलती हैं। तो दैट इज इन 1999। All the national parties have been
अलॉटेड वेल नोन एंड परमानेंट सिंबल, सिंबल नहीं बदले जाते, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नेशनल पार्टी के लिए सिंबल नहीं बदले जाएंगे, छोटे मोटे दलों के लिए तो बदले जा सकते हैं। और लेकिन इलेक्शन कमीशन ट्राई यही करती है कि जो दो चार बार लड़ चुका है उसके सिंबल ना बदले जाए, नए नए सिंबल, कहीं किसी को दो पत्ती, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को टेढ़ा गढ़ा, ऐसे इस तरीके से लालटेन किसको दिया गया है? बोलो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तो उसको क्या कहते हैं? जनता राष्ट्रीय जनता दल, उसको लालटेन का साइकिल किसे दिया है? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के कौन मुखिया थे? देखो सुन ले, साइकिल किसका है बताइए, साइकिल और लालटेन दो फूल किसके हैं? तृणमूल कांग्रेस। लालटेन किसका है? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। घड़ी किसका है? नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, घड़ी दैट इज एनसीपी, शरद पवार। साइकिल किसकी है? मुलायम सिंह। अभी अखिलेश यादव है, ठीक है। अलग अलग पार्टी का, हाथी का तो आपको पता ही चल गया, झाड़ू आम आदमी पार्टी की। शिरोमणि अकाली दल का क्या है? शिरोमणि अकाली दल का मतलब क्या समझते हो? जो अकाल तख्त है, तराजू है, वो अकाल तख्त समझते हो? अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसमें जो तख्त है, जो उसमें विराजमान होता है, उसको कहते हैं शिरोमणि अकाली दल। वही सब प्रबंधक कमेटी है जो वहां खाना पीना और जो लंगर चलता है, तो उसके हैं शिरोमणि अकाली दल। तो शिरोमणि अकाली दल वीक हुई है जब से उसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है। बता सकते हैं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव नहीं जीती? क्योंकि वहां ज्यादातर सिख लोग हैं, और उनमें भी एक नियम बना है, वहां की विधानसभा ने बनाया है कि यहाँ कोई हिंदू कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये नियम बना दिया। ये गलत बात है, लेकिन कोई अगर सही राष्ट्रवादी आएगा, बीजेपी आएगी, तो फिर नियम बदल सकते हैं। तो उन्होंने बोला सिख ही बनेगा, ऐसे भी नियम। खड़ी है तो तराजू, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। AIMIM का कोई है क्या? है इनका चुनाव नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कोई कुछ दिया है? नहीं दिया। ऑल इंडिया मुस्लिमीन वही असदुद्दीन वैसी के, जिनके भाई बोलते रहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मस्जिद और जनता को। तो उसको कहते हैं जिबा कर देंगे, गर्दन काटने को क्या कहते हैं? जिबा कर देंगे। मुस्लिम लीग तो अब केरल में है, उसके अलग नाम से है, मुस्लिम लीग करके नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी थी, वो अलग हो गई। देखिए ये बात हो गई। What does it mean by state parties? सर एक बार अलायंस कैसे काम करता है? अच्छा ठीक है। State parties क्या होती हैं? A party that secured 6% of total votes in election. जब assembly election का जिसको 6% vote मिल गया, वो state party। A party which secures at least 6% votes of assembly election, या two seats और two seats, जैसे 200 है राजस्थान में, जिसको दो भी सीट मिल गई वो हो गई।
अब देखिए नाउ अदर देन दीज सिक्स जो भी पार्टीज होंगी मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज आर ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड एज स्टेट पार्टीज. जो ऊपर की छह पार्टियां बताएंगी अगर आप देखो तो यहाँ छह हैं तो मोस्टली सब स्टेट पार्टीज है. एक इसमें और नाम जोड़ दो आम आदमी पार्टी का ये नेशनल है. एक एक कांग्रेस उधर लिखी थी एक दो तीन चार पांच छह और एक हो गई सात. सो अदर देन सेवन नेशनल पार्टी अदर सात स्टेट पार्टी. तो बताइए अदर देन आईएनसी इंडियन जो है ये कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी बीएसपी छह राज्य उसने नहीं जीता है तो उस वजह से नहीं आया. तो इस तरीके से बहुजन पार्टी और सीपीआईएम सीपीआई आप तो कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छह एक और कोई पार्टी होगी एनसीपी. हाँ एनसीपी एनसीपी अदर आर स्टेट पार्टी. ये स्टेट पार्टीज हो गई कुछ स्टेट पार्टीज जैसे मुख्य हैं ऐसी बात नहीं कि इनकी भूमिका नहीं है. बहुत बार इन्होंने अलायंस बनाया है गठबंधन जैसे जयललिता केंद्र के साथ अलायंस बनाती हैं. तो अगर स्टेट पार्टी के भी कुछ मेंबर्स पहुंच जाएं स्टेट पार्टीज भी तो लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगी उनके भी कुछ मेंबर जैसे AIMIM के दो सदस्य हैं लोकसभा DMK के 13 सदस्य हैं और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम क्या तुम बता सकते हो मनीष ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम क्या चीज है और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के इस समय अध्यक्ष कौन है उदय निधि स्टालिन. ठीक है तो ये क्या करते हैं ये पेरियार फैमिली के लिए है जिनका बहुत योगदान रहा है कि छोटे जो कास्ट है ना लोअर कास्ट उनको बराबर लाने में. तो ये लोग ब्राह्मण का खिलाफत करते रहे क्योंकि पहले आपको पता 3% ब्राह्मण गए थे साउथ में और उन्होंने वहां भी सारी नौकरियां ब्रिटिश समय में खा ली थी. वो आर्यंस जो थे ना देवर सो एक्यूट माइंडेड शार्प माइंडेड तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि तो हमारी सारी जो द्रविड़ हैंस है इनका जो है ना तो वेद बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन है. ठीक है इनके मंदिर और इनके चीजों का कुछ वो नहीं हुआ इन्होंने ब्रिटिशर्स से उतना कुछ नहीं किया लेकिन इनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो ये लोग अपने को थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये सोचते हैं कि आर्यंस हमारे यहाँ नहीं है और हमारी संस्कृति ऐसे बची रहे जैसी है वैसी रहे हमें कोई बदलने की कोशिश ना करे. तो इसलिए ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी इसी बेसिस पर बना है और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी बना है. साउथ में आप चले जाइए हिंदी में कहीं लिखा होगा तो उस पर काला पेंट होगा. वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ की भाषा भी हमारे को छाया पड़े. बात समझ में आ गई कि नहीं तो वे जानबूझ के अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो वो तमिल में बोलेंगे. अगर ऑटो वाला फिर बोल देगा हिंदी में क्योंकि उसको पैसे की बात है अदरवाइज अगर इनका कोई काम नहीं निकल रहा होगा तो हिंदी में ये नहीं बोल देंगे. तो यहाँ दो पार्टी हैं जो मुख्य हैं AIDMK और DMK. DMK जयललिता की पार्टी थी जो कि अभी थोड़ी देर पहले जयललिता की मृत्यु हुई कि नहीं. सो AI ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ऑल इंडिया द्रविड़ ये ऊपर का देश का आधा हिस्सा आर्यंस का कहा जाता है और नीचे का हिस्सा द्रविड़ियंस का कहा जाता है. दोनों ही संस्कृत बोलते हैं दोनों की देवभाषा संस्कृत. द्रविड़ हिंदी भाषा संस्कृत और किस भाषा के मिक्सचर से बनी है और बंगला भाषा संस्कृत के साथ ही सब मिक्स होके बनी है जो लोकल वहां की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी संथाली. 8th में पढ़ा था याद होगा नहीं अभिषेक. तो ठीक है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम. अच्छा ये बताइए अभिषेक DMK का फुल फॉर्म क्या है. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम. इसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की पार्टी. हाँ एक और है ये ममता बनर्जी की पार्टी इसमें रजिस्टर हो गई है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पत्ती का निशान बना हुआ होगा. झारखंड JMN क्या है झारखंड
मुक्ति मोर्चा सूबी सोरेन की पार्टी आदिवासी है बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा ये किस लिए बना होगा बोलो बोलो तेलंगाना मुक्ति मोर्चा क्यों बना था क्या तेलंगाना को अलग करने के लिए आंध्र प्रदेश से झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों बना था क्या झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए और फिर वो राजा ही बन गई मायावती ने कहा था उत्तर प्रदेश को 6 हिस्सों में बांट देंगे मायावती हटी गई तो 6 राज्य बनाएंगे नाउ शिवसेना इन सब का है जनता दल यूनाइटेड शिवसेना के उद्धव ठाकरे जेडीयू के कौन है किसी ने सुना हो इसके तो शिबू सोरेन है शिबू सोरेन और शिवसेना के कौन है उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी भी टूट चुकी है आदि ठाकरे तो ठीक है अब देखो इसी तरीके से जेडीयू जेडीयू के जो नीतीश कुमार हैं ये दल बदलू कहे जाते हैं ये कभी बीजेपी में आ जाएंगे फिर जेडीयू में चले जाएंगे फिर बीजेपी में आ जाएंगे यानी अपना समर्थन इधर उधर करते थे आज इस बार फिर बीजेपी में आने वाले एक महीने बाद लेकिन वो मुख्यमंत्री हमेशा बने रहते हैं इस तरीके से चलते और सबसे कम सीट पाके भी वही मुख्यमंत्री बने तो जेडीयू दैट इज नीतीश कुमार ये बिहार के हैं सो दीज आर दैट इज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी फॉरेन कंट्री से पढ़ के आए हैं बहुत पढ़े लिखे बैठे तो ये सब व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनमें चैलेंजेस भी होंगे कोई ऐसा नहीं कि सभी को जो पावर शेयरिंग का सुख ही पाए दैट इज जो मुख्य चैलेंज है इंटरनल डेमोक्रेसी का है अगर आप देखें तो चाहे योग्य हो या ना हो उनमें परिवारवाद चल रहा है परिवारवाद का क्या मतलब है कि द इनहेरिटेंस की पॉलिटिक्स तो That is dynastic succession चल रहा है जैसे हमने देखा जवाहरलाल नेहरू से उन्हीं के जो आगे परिवार के लोग हैं लालू यादव के सभी बेटे कहीं ना कहीं राजनीतिक पद पर हैं ऐसे सभी पार्टियों में परिवारवाद चल रहा है जैसे हमने कहा दयानिधि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हैं ऐसे हर जगह ये सब चल ही रहा है तो इस चीज को जो डायनेस्टिक सक्सेशन है ये किसी भी डेमोक्रेसी को ये एरिस्टोक्रेसी में बदल देता है ये अच्छा नहीं माना जाता है तो इससे दूसरे लोगों को जो अच्छे भी लोग हैं उनको आने का वो नहीं मिल पाता ठीक है कि नहीं तो अब जैसे इन्होंने बोल दिया था कि स्टोव में हम कोयला डाल देंगे अभी कल ही राहुल गांधी ने बोला कि स्टोव में हम सब जिनके यहाँ स्टोव है उनको हम कोयला देंगे तो लोगों ने जब पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था और फिर भी वो नेता बने जा रहे हैं तो ऐसे में डायनेस्टिक सक्सेशन किसी मूर्ख व्यक्ति पर वो भी उच्च पदों पर आसीन करने की क्षमता रखता है और जो सही लोग हैं जैसे आप देखो कांग्रेस में सोनिया गांधी सर्वे सर्वा रही और प्रणब मुखर्जी जो सबसे काबिल नेता थे उनको कभी भी ऊंचा स्थान नहीं मिला और फिर बाद में बीजेपी ने उनको कंपेंसेट किया राष्ट्रपति बना जबकि वो इतने योग्य होते हुए भी नहीं बन पाए ये तो एक समय पर बन जाना चाहिए तो डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से इसको कहते हैं दिस इज द चैलेंज इज द इंटरनल डेमोक्रेसी जिस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र ही नहीं है तो वो देश में क्या लोकतंत्र स्थापित करेगी समझा इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं और सेकंड चैलेंज इज दैट दे डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग तो इन दिस द ऑर्डिनरी वर्कर्स आर नॉट गिवेन ए चांस टू राइज एट द टॉप पोस्ट जबकि बीजेपी में ये होता है जो तीसरी पंक्ति में कोने में खड़ा हुआ भजन लाल शर्मा उसको बुला के बोला जाता है कि तुमने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया तुमने इतने खंभे लगाए वो माइन्यूटली देखा जा रहा है उसको मालूम ही नहीं कि देखा जा रहा उसका कहीं नाम भी नहीं तुम चलो मुख्यमंत्री बनो तो इस बात से नहीं देखा जाता तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड तुमने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है तुम्हारा भविष्य उत्तम है तुमने कोई फर्जी घोटाला नहीं किया तुम्हारी नीतियां अच्छी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी ऊंचा बन सकता है तो ये चीज बहुत बड़ी होती है इससे क्या फायदा होगा इससे जो पार्टी का छोटा छोटा वर्कर वो और मोटिवेट होगा कहेगा हमें कुछ नहीं करना है अपने अच्छा करना है बस पता नहीं हम कब ऊंचे बन जाए लोग देख रहे हैं एक होता है कि तुम जान भी लगा दो
तो अभी वो अब जैसे ये बताया कि तुम्हें मालूम है हेमंता विश्व शर्मा कौन है, असम के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अभी राहुल गांधी की यात्रा, बोले कि राहुल गांधी से मिलने जाओ तो पहले 2 घंटे वो इंतजार कराते थे और उसी प्लेट में खाना पड़ता था जिसमें उनका कुत्ता बिस्कुट खाता था, वो तो इससे खाओ, वो तो ये बहुत अपमान की बात है। तो तुमको एक बड़ी पार्टी के ही तलवे चाटने पड़ेंगे अगर वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है और तुम्हारा मोरल डाउन होगा, ऐसी स्थिति में तुम्हारी पार्टी छोड़ देना ही उचित रहता है। तो ये बात बहुत बड़ी बहन कि द ऑर्डिनरी वर्कर गेट्स ए चांस टू राइज एट टॉप पोस्ट। तो ये इसकी चैलेंज है कि दे डू नॉट गेट ए चांस। इसका क्या चैलेंज है? ऑर्डिनरी वर्कर डू नॉट गेट ए चांस। जब परिवारवाद जैसा इन्होंने बता दिया, कौन सी डायनेस्टी? डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक, ड्यू टू डायनेस्टिक सक्सेशन दे डू नॉट गेट ए चांस। और दूसरी बात, देयर इज ऑलवेज ए चैलेंज टू मेंटेन द इंटरनल डेमोक्रेसी। वहां पर सही तरीके से चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव का सिर्फ नाम होता है कि बोलो कौन अध्यक्ष पद चुना जाए, सब बैठे सोनिया गांधी तो चुनी जाएगी, पता नहीं फालतू में क्यों बुला दिया। कई बार तो 3-3 साल तक चुनाव भी नहीं होते, बोले ठीक है कनेक्ट कर लेंगे, हाँ तो यही अध्यक्ष। वो बात होती है। द थर्ड चैलेंज इज द ग्रोइंग रेट ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। धीरे धीरे जिसके 2 करोड़ है, पता चला अगले उसने जब नॉमिनेशन फॉर्म किया उसने कहा 440 करोड़, 2 से 440 कैसे हो गए भाई, इसका कुछ बताओ, लेकिन कोई बताने वाला नहीं ना कोई पूछने वाला। सो दैट इज एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ मनी एंड पावर। तो लालू गांधी, इनकी लालू यादव की बिटिया की शादी थी तो 500 कारें मारुति के सब शोरूम से उठा ली, बोले हमारी बेटी के साथ पैसा किसी को देना ही नहीं, फिर बाद में 10 दिन यूज की फिर वापस कर दी। अब उनका आपका क्या किया जाए मारुति वाले को? तो इस चीज को कहते हैं कि पावर एंड मनी दोनों बढ़ता है, तो इस चीज को कोई कुछ नहीं कर सकता। द फोर्थ चैलेंज इज वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। इस वजह से भी अभी पार्टीज बहुत सारी हैं, इवन पार्टीज को जब इंटरव्यू में बुलाया जाता है, इंदिरा गांधी को इंटरव्यू में बुलाया गया था आज तक टीवी चैनल पर, तो उनसे पूछा गया था कि कोई बड़े प्रश्न, उन्होंने कहा बड़े प्रश्न पूछा, उनसे आप अपनी बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, बहुएं आपको लेकर कैसा, उनसे पूछा ही नहीं गया देश के बारे में, पूछना नहीं कोई क्वेश्चन। ये भी बोला देखो इंदिरा गांधी पब्लिक इंटरव्यू दे रहे, बट इट वॉज ए सेट इंटरव्यू। शिबू सोरेन थे, उनके बेटे हैं शिबू सोरेन, वो शायद बहुत बूढ़े हो गए, उनके बेटे हैं क्या, वो भी सोरेन ही लगाते हैं, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो फाउंडर हैं। अब ये देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टीज को रिफॉर्म कैसे करना, उसमें आमूल चूल परिवर्तन कैसे करना, क्या सभी पार्टी को रिफॉर्मेशन की जरूरत है? तो जैसे उन्होंने बताया कि जो चंदे 2 लाख से ऊपर आएंगे, चंदा होता ना पार्टी चंदे चलती है, तो वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अकाउंटिंग में लेना पड़ेगा। तो जो आम आदमी पार्टी में चंदे आए वो 2 लाख नहीं आए, वो 1,99,999 के 700 चंदे आए। मतलब ये कितना बड़ा घपला, घपलेबाज वाले, जैसे हमने बताया था ना कि 1 घंटे में उसने 700 डॉक्टर ने 700 मरीज देख लिए, अब 1 घंटे में आप देखो 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में वो 70 मरीज देख रहा है, नाम सृष्टि जा तुम जा जा, ऐसे करके देख लिया। ये मतलब डॉक्टर के देखने का तरीका है। और उन 700 मरीजों में 300 मरीजों के मोबाइल नंबर 0 से स्टार्ट होकर 0 पे खत्म हो रहे थे, 0000 और किसी किसी के 999 है, ऐसा देख के फिर इसी किसी को दवा घोटाला का नाम दिया गया। वो सोचते हैं कोई देखने वाला नहीं है, फिर विक्टिम कार्ड खोलते हैं, ये तो अच्छी पार्टी को ये कर रही है वो कर रही, जनता के सामने जाते हैं, लेकिन जनता भी जानती है। अब देखिए, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, एक बेसिस लेके चलना पड़ता है, ये नहीं है एक फंगी की तरह, फफूंद की तरह, मशरूम की तरह पार्टी नहीं उगनी चाहिए, फिर वो उतनी जल्दी उखड़ भी जाती है जैसे मशरूम। इट शुड नॉट फ्लरिश विद इन फ्यू मंथ्स, ऐसी पार्टी का फिर बेसिस नहीं होता ना। अब देखिए,
The constitution was amended to prevent elected MLA and MP from changing parties. अब देखो दल बदल की नहीं थी, पहले ये होता था जैसे कि यहाँ पर 200 सीटें हैं, 90 अभी कल ही बात हो रही थी 110 पाई है बीजेपी ने, और 90 किसने पाई है, 90 पाई कांग्रेस ने, 90 नहीं पाई होगी 88 पाई, लेकिन 100 से ऊपर हो जाए तो जीत ना जाए। फिर उसने सोनिया गांधी से बात की, मैडम पैसा भेजिए कुछ उनके विधायक खरीदने हैं, खरीद लेंगे उनमें से, हमें वोट दे दे, हमारी मेजोरिटी हो जाएगी। बोली 800 लाख करोड़ रुपए जिसके पास, तो वो तो इकोनॉमी पैरेलल में चला सकता है। तो बोलेगा एक एक विधायक से पूछे कितने में बिकने को तैयार, बोला 200 करोड़, 400 करोड़, पार्षद तो थोड़े थोड़े में हमें बताया 5 करोड़, पार्षद तो नहीं बताया दयाराम भाटी उसने मकान खरीद लिया, लेकिन जो विधायक हैं वो इतने में बिकते हैं। तो लेकिन ऐसा बहुत पार्टी पहले परेशान हो चुकी थी इंडिया, तो उसके बाद एक दल बदल कानून लाया गया राजीव गांधी के द्वारा कि अगर पार्टी के 1/3 विधायक जब तक एक साथ ना टूटे उनकी सदस्यता ही अमान्य हो जाएगी। वो किसको वोट दे रहे हैं, दूसरे को वोट दे दिया, सदस्यता अमान्य। तो इसलिए तब से कोई खरीदी बेची सब बंद हो गई, दल कोई नहीं बदल सकता। जीत क्या है बीजेपी से, किसी ने पैसा दे दिया तुम कांग्रेस में चले गए, तो एक एक को कहां पार्टी संभालेगी, लोगों को संभालेगी, वो राज्य करे। तो दल बदल कानून जब से आया है, अगर 100 है 33 विधायक एक साथ जाना चाहें, या 33 कोई सांसद भी जाना चाहें, 33% तभी अलग हो सकते हैं, फिर एक पार्टी बनाई जाएगी, एक एक नहीं अलग हो सकता, नहीं तो खरीदी बेची चलती रहेगी ना। तो इसलिए मतलब कौन खरीदता है, फिर अपनी पार्टी बना लेगा, पार्टी में स्प्लिट हो जाएगा। तो इफ देखो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमपी या फिर एमएलए फ्रॉम चेंजिंग पार्टी, ठीक है। सो अंडर, अब इसमें ये लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं अंडर दल बदल कानून, अब इसका इंग्लिश क्या होती होगी समझ आ रही है, ऐसा कि दल अगर बदलोगे देन योर कैंडिडेचर विल बी सीज्ड और टर्मिनेटेड, इफ इंडिविजुअली चेंजेस ओवर द पार्टी उसे क्विट ही करना पड़ेगा, फिर सदस्यता चली जाए। इन सच केसेस the MP या MLA ship will be terminated. defection law of defection, सही कह रही हो। तो terminated हो जाएगी या seized. अब देखो now it is mandatory for every candidate who contest election to file an affidavit giving details. एक ये भी बात है कि पार्टी में every candidate 5 पेज का होता है और वो सारी ऐसी चीजें हैं कि ऑनलाइन चस्पा कर दी जाती हैं, कि मतलब ऑनलाइन बता दी जाती है जो तुम वोट देने जाओगे हर एक का तुम देख सकते हो कितना पड़ा है, कितनी संपत्ति है, सारे डिटेल, कितनी बार जेल गया है। सो एवरी ऑफ योर माइनर इंफॉर्मेशन इज टू बी given in this nomination form. नामांकन पत्र दाखिल होता है ना, बड़े पॉम्प एंड शो के साथ लोग जाते हैं, लक्ष्मी जैसे है झांसी में जा रहा है तो लक्ष्मी बाई बन के घोड़े पे बन के जा रहे हैं, झाड़ू है तो सर पे झाड़ू लगा के जा रहे हैं, ऐसा करके जाते हैं सब। तो एवरी कैंडिडेट बहुत पॉम्प एंड शो के साथ जाते हैं टू फाइल एफिडेविट, का क्या मतलब होता है बोलो, एफिडेविट का मतलब है शपथ पत्र, हमने शपथ ली है कि इतनी ही मेरी संपत्ति है, यदि इसमें कुछ भी परिवर्तन पाया जाए तो मेरे खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेते हैं। तुम ये शपथ लो, जैसे साक्षी ले, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं 12वीं पास हूँ, मेरे खिलाफ एक्शन लो, शपथ ले लेंगे तो कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, और फिर चैलेंज करना है तो कोर्ट जाओ, बोले हम पास हैं 12वीं, जाओ चैलेंज करो। So, शपथ पत्र होता है, पहले होता था कि
डॉक्टरी सर्टिफिकेट चलता था कि हम बीमार है, आजकल एफिडेविट चलता है अपने आप से, सब अटेस्टेड, मार्कशीट खुद अटेस्ट करनी पड़ती है, कहीं जाके नहीं 50 रुपए डॉक्टर को दो अटेस्ट करो, वो सब नहीं हो गया, खुद ही करो, और गड़बड़ पाए गए तो तुम्हें कोई होगा। तो एफिडेविट, ठीक है, गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी कि कब कब तुम गए हो जेल, डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, क्रिमिनल रिकॉर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज देनी पड़ती है, ठीक है। A lot of information which is made public, na? Details. Now, which is made public? RTI के द्वारा भी आप बहुत चीजें जान सकते हैं। 10 रुपए का एक हलफ नाम होता है, दाखिल करना पड़ता है, सब जान लो। Now, अगर कोई एक वहां पर रिजर्वेशन काउंटर पे बैठा, देखो धीरे काम कर रहा है, एक आरटीआई 10 रुपए के स्टैम्प पेपर आता है, दाखिल कर दो, ये एक घंटे में कितने रिजर्वेशन करता है मुझे बताइए जरा। उसको वह पूरा साल भर का रिकॉर्ड उसी में, रिजर्वेशन छोड़ के रात में वो यही करेगा, अगर 15 दिन में नहीं बता पाए नौकरी भी गई, वो बताना ही है, ये हमारी सूचना का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर एक पार्टी को अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराने होंगे कि कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन खजांची है, हर एक उसके अंदर ही 10 पद होते हैं। खजांची मतलब जितनी पार्टी का चंदा आ रहा है उसको कौन देखभाल कर रहा है, खजाना। तो इस तरीके से डिफरेंट सचिव कौन है, महासचिव कौन है, सलाहकार, सचिव कौन है, कल बताते ना सेक्रेटेरियट, तो जो सलाह दे वो सचिव होता है, महासचिव जो सब बड़े स्तर पर दे, तो ये सभी पद होते हैं। तो एक पार्टी के अंदर ही 10 पद होते हैं, उनपे कौन कौन है, उनके चुनाव होंगे, उसको ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होते हैं जिसको उसे कंडक्ट कराना होगा हर साल। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties. So, उनके आंतरिक मामलों पर भी एक लॉ होगा, उनके अपने एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसी पे पार्टी चलेगी, ये किसी के विम एंड फैंसी नहीं है कि अपने इच्छा के अनुसार चला रहे पार्टी, तो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अभी भी महात्मा गांधी ने बताया था कि इंदिरा गांधी, ये जो कांग्रेस पार्टी, वो जमीन में गद्दे पे बैठ के चलाई, और ये कौन लकड़ी के मेज पे होगी। आज भी जब तुम देखोगे कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वो कुर्सियों पे नहीं बैठते हैं, जमीन में गद्दे बिछाए जाते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू ये सब बैठते थे ना कांग्रेस पर, वही अभी भी चल रहा है। तो ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स, इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन, पार्टी को खुद भी 1/3 वुमेन को टिकट देना। अभी भी फिर जितने जीते, अभी तो टिकट देने की बात थी, अब ये बात हो गई कि 33% ऑफ द टोटल असेंबली इलेक्शन सीट्स एंड लोकसभा इलेक्शन जो भी है कंस्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर वुमेन, उसमें औरतों को ही खड़ा करना जाएगा, वो शिफ्ट होती नहीं, ये नहीं कि वहां से फिर वो हो गए दूसरी जगह हो जाएगी, फिर तीसरे रोटेशन बेसिस पर, ये नहीं कि उस जगह रहने वाला कोई आदमी कहेगा अब तो हम कभी चुनाव ही नहीं लड़ सकते, भी लड़ सकता है अगली बार कर जाएंगे। There should be state funding of elections. So there should be state funding. यानी जो भी है state funding का क्या मतलब है? लोगों के पैसे से होगा state funding, तो कोई मतलब नहीं है। People then put pressure on political parties through petition, publicity and agitation. Parties में भी हम क्या उनके खिलाफ कुछ petition याचिका, जनहित याचिका होती है कि ये सही काम नहीं कर रही पार्टी, ये गलत कर रही है, धन का प्रचार कर रही है, हम उन पे दबाव डाल सकते, उसको याचिका कहते हैं, जो पब्लिक डालता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो पर चैनलों से नहीं चलती। देखिए जहां तक बात है कि अलायंस या गठबंधन की, तो इफ वन पार्टी पार्टी फेल टू गेट द मेजोरिटी, जैसे ये देखा गया 273 सीट नहीं मिल पाई, अरे टोटल 443 है, 543 है, और 273 नहीं पा पाई, जैसे कहा बीजेपी को 100 मिली, किसी को 200 ऐसे करके मिली, तो सब, लेकिन हमें तो करना है 273, तो 6 पार्टी मिल गई,
तो आपको ये मालूम है कि यूपी है क्या है? अलायंस, तो अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, मिलके जब कोई चलाया जाए उसको क्या कहते हैं? गठबंधन। सो इफ वन पार्टी फेल टू गेट मेजोरिटी देन मैनी पार्टी कम टूगेदर हैविंग ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जैसे एक है कि इफ वन पार्टी फेल टू गेट मेजोरिटी देन मैनी पार्टी कम टूगेदर टू हैव कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि भाई उससे हम डेविएट नहीं करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है, टू रूल द कंट्री, ऐसा होगा। इस चीज को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अलायंस। जब तक एनडीए थी, मालूम है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें बीजेपी प्रमुख घटक दल था, इसके पास सिर्फ 200 सीटें थी एनडीए में, और अकाली दल रह सकते, उस अकाली दल ने इस पर प्रेशर डाला, तुम राम मंदिर की बात नहीं करोगे तभी हम तुम्हारे साथ आएंगे, हमारे वोट नहीं कटने चाहिए पंजाब से। तो उस समय जब तक एनडीए के थ्रू इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने शासन किया, तब तक ये मुद्दा नहीं उठाया। अब ये 330 खुद की 303 सीटें पा गए, और 30 इनके अलायंस की सीटें, अकाली दल, शिवसेना, इन सबकी सीटें, फिर भी इन्होंने उदारता दिखाते हुए कहा कि हम मेजोरिटी में हैं, लेकिन चूंकि तुम्हारे साथ लड़े हैं तो तुम भी हमारे मंत्रिमंडल में रहोगे, तुम कोयला मंत्री, तुम कपड़ा मंत्री, तुम बिजली मंत्री, तुम कुर्सी मंत्री रहोगे, सबको बना डाला, उनको भी मतलब आदर दिया, जबकि इनके पास फुल फ्लज मेजोरिटी थी, छोड़ भी सकते थे तो, और लेकिन अब चूंकि इनके पास फुल फ्लज मेजोरिटी थी तो उन्होंने कहा कि अब हम किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम से बंधे हुए नहीं है, अब हम बस लड़े थे और अब हम अपने हिसाब से चलाएंगे। बात समझ आएगी नहीं? तो यूपीए दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेकिन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में मनमोहन सिंह ने, मनमोहन सिंह खुद राज्यसभा के थे लेकिन एक आइडल सांसद थे, तो उनको बोला यही सबसे अच्छा प्यादा है, ये कभी चूचा नहीं करेंगे, इनको उठा के बनाओ मुख्यमंत्री, और वो 10 जनपद पे लिए रहते थे, मैम इसको साइन कर दीजिए, उसको साइन कर दीजिए, 10 जनपद ही सोनिया गांधी का निवास स्थान है, तो सब कुछ वहां से ऑपरेट होता था। और वहां पर उसकी हेड कौन थी? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की हेड, वैसे मुख्यमंत्री होता, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से ऊपर अपने को रखा, बोले कि वो चेयरपर्सन थी, चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड, और ये उसमें मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में होती थी, मनमोहन सिंह को बुलाया भी नहीं जाता, मुख्यमंत्री, समझ में आ गई बात? तो प्रधानमंत्री, तो अलायंस का काम होता है, देयर इज ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सब पार्टी को अपने चुनावी मैनिफेस्टो, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो से कुछ पॉइंट्स हटाने पड़ते हैं, और जो सब में कॉमन है कि हाँ गरीबों का सब कल्याण करेंगे, बोलो सारे पार्टी जी हाँ गरीबों का तो कल्याण करना ही है, गरीबों का सब गरीब, अब कोई पोलर चीज नहीं वहां पे होगी, बोलो इसी तरह सबको खूब अच्छा पैसा दिया जाएगा, नौकरी हाँ नौकरी तो देनी ही पड़ेगी, देखो नौकरी ऐसे करते रहते हैं, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, देखा जाए तो बस ऐसे ही होता है कि सबको राज करना है, अल्टीमेटली सबका ये होता है कि जब बिहार में 200 करोड़ का पुल बनेगा 190 करोड़ दबा लेंगे और रेत का बनवाएंगे, चाहे दो बार ढह जाए, दो बार ढह चुका है, रेत का बनाते बेचारे उस ठेकेदार को 10 करोड़ में पुल मिला है, तो वो ईंट लगाए कि लोगों को क्या दे, वो ढह जाता है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो ऐसा ही होता है। तो गठबंधन की सरकार को लोगों ने नकार दिया है, और 2004 से अब गठबंधन की जगह लोग एक ही, पूरे देश के लोग एक ही सरकार को मत दे रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है, इतना ही रखिए।